हेलो गैस, वेरी वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फटाफट फटाफट सेशन शेयर मारो यार, एकदम ज्यादा। देखिए, आपके पास अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं कोई भी छात्र, तो ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा पेपर, पहला पेपर गेट 2022 में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग कर रहा है ना, पहला पेपर। हमको बहुत सारा आइडिया मिलने वाला है ना। अरे नहीं, डरने का नहीं, आपने को आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। बिलीव मी, रियल लास्ट ईयर 2021 में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस थे जो पीआई में भी पूछे गए थे, एक्सईई में भी पूछे गए, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दोनों सेट में एफएम का सिलेंडर वाला क्वेश्चन गेट 2021 में चेक कर लेना, ठीक है ना। तो इस बार भी गारंटी है, क्योंकि होता क्या है, जब प्रॉप कोई भी प्रॉप पेपर सेट करता है, क्वेश्चन सेट करता है, तो उनकी थिंकिंग जो रहती है वो उसी तरीके से रहती है कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन मैं डालना चाहता हूं, अब इस क्वेश्चन को मैं और किस तरीके से स्टूडेंट के सामने रखूं। बस जो मोटिव है वो सेम है, क्योंकि सब बैचलर ही स्टूडेंट है ना, बैचलर स्टूडेंट है, तो मोटिव वही रहता है कि उनसे एक एप्टीट्यूड निकाल के लाए, ठीक है। तो चलिए चलिए फटाफट फटाफट यार, अरे अभी तक तो 100 आ जाने चाहिए थे, कैसे नहीं आए हैं? सो गए क्या सभी? सर अपन तो एग्जाम का भी सोच नहीं रहे हैं, ऐसा तो सोचना शुरू करो दोस्त। पीआई पेपर और कोई नहीं डिस्कशन कर रहा है, कोई करेगा भी नहीं पीआई का पेपर हमारे अलावा, ठीक है। तो फटाफट सेशन शेयर कीजिए। और हाँ देखिए, अभी मेरे हाथ में जितना पेपर है उसमें मैं बात करूंगा, और कंटिन्यूअसली पूरी टीम आपके साथ डिस्कशन करेगी, ठीक है। और यार एक शेयर और बनता है क्या? सारे सारे आ जाइए फटाफट, है ना। अगर मैं बात करूं पीआई में जो मुझे देखने को मिला, ओवरऑल पेपर में जो मेरे हाथ में जितने क्वेश्चंस लगे हैं उसमें कौन कौन से एरिया से सवाल आया है, तो नो डाउट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से सवाल तो है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन से सवाल जो मुझे देखने को मिले, मुझे इंडस्ट्रियल के सवाल देखने को मिले, टॉम का एक सवाल देखने को मिला, थ्योरी ऑफ मशीन का एक सवाल देखने को मिला मुझे, सॉम और एमडी के भी दो तीन सवाल मुझे देखने को मिले जो मेरे पास अवेलेबल है उसमें, अगर मैं बात करूं, है ना। इसके अलावा आपका सॉम एमडी टॉम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्रोसेस का एक बड़ा सिंपल सा सवाल दे रखा है, और थर्मो एंड एफएम, तो ऑलमोस्ट यहां से क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन कवर किए गए हैं। और ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं किया या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो तो पढ़ाई नहीं किया, जस्ट ना अभी ना दोस्तों एक ही चीज बोलूंगा, रिलैक्स, इसको ना आप एक सिनेमा की तरह देखिए, इंजॉय कीजिएगा इस सेशन को कि किस तरीके के सवाल आपके सामने आ रहे हैं और उसको क्या आप सॉल्व करने में एबल हैं कि नहीं। अगर अभी तक आप पढ़ाई किए हैं, थोड़ा सा सही लेवल पे आप अपना प्रिपरेशन रखे हैं, तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्फिडेंस बूस्टर ही होगा। अगर जीरो पढ़ाई रखे हैं तो कुछ मत कीजिए, मैं यही कहूंगा, ठीक है ना। जीरो अगर पढ़ाई किए हैं तो कुछ मत कीजिए, ठीक है, आराम से आप 2023 का सोचिए, उसके बारे में फिर मैं बताऊंगा। लेकिन अभी 2022 के लिए जो जा रहे हैं वो बस अभी जो सवाल मैं बताते जाऊंगा या जो भी फैकल्टीज आएंगे, रिस्पेक्टिव फैकल्टीज, वो उनका सुनते जाइएगा फटाफट, है ना। एमएसक्यू अभी कुछ स्टूडेंट हैं जिनसे मैं डायरेक्ट बात करूंगा, जस्ट सेशन के बाद बात करूंगा, और मैं आप लोगों को आके बता दूंगा कि कितना एमएसक्यू क्या एनएटी का रेशियो था, वो भी मैं बताऊंगा, पक्की बात है वो मैं बताऊंगा। अभी जस्ट एनालिसिस ही चल रहा है मेरे पास, जो क्वेश्चंस आए मैं सोचा पहले सॉल्यूशन कर लेता हूं, क्योंकि जिनसे मेरे पास सवाल आए उनको मैं पूछा तो वो क्लियर कट कुछ आइडिया नहीं दे पाए, है ना। सो इसलिए मैं
फिजूल बात नहीं करना चाहूंगा उस पर, या मैं ऐसी हवा में बात नहीं करना चाहूंगा जब तक मेरे पास एप्रोप्रिएट डेटा नहीं आ जाता उसका। रेडी? एमएसक्यू के बारे में मैं बताऊंगा। चलिए, आपके पास एक सवाल, पहला सवाल जो आया था, आया है, वो है, कह रहा है द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ 8 पॉइंट्स फ्रॉम द डेटम लाइन ऑफ अ सरफेस आर। क्वेश्चन कह रहा है द एब्सोल्यूट डेविएशन, द एब्सोल्यूट डेविएशन, डेविएशन ऑफ 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स फ्रॉम डेटम लाइन ऑफ अ सरफेस आर। डेटम लाइन ऑफ अ सरफेस आर, आर पॉइंट का दे रखा है, कह रहा है ये वैल्यूज दे रखे हैं 10, 15, 12, 10, 13, 12, 20 and 25 micron, micron में दे रखा है। उसके बाद कह रहा है द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द सरफेस रफनेस इज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आर एम एस वैल्यू ऑफ सरफेस रफनेस इन माइक्रोन, ये बताना है। अब देखिए ये जो सवाल है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग सकता है कि यार ये सवाल तो थोड़ा सा खतरनाक आ गया, लेकिन जो बच्चे पढ़े हैं सरफेस रफनेस के बारे में, मैंने चार तरीके के रफनेस के बारे में बताया रखा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल दे दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपको वैल्यूज दे रखा है, रूट मीन स्क्वायर निकालना है, यार आपको कितने वैल्यू दे रखे हैं, 8 पॉइंट्स के वैल्यू दे रखे हैं सर, और डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है, बिल्कुल सर डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है। अगर इसका मैं सॉल्यूशन बोलूंगा अपने को आर एम एस वैल्यू निकालना है सर रूट मीन स्क्वायर, तो सबका स्क्वायर जितना भी होगा वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर अप टू जितने भी टर्म्स हैं सब वाई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, यही तो वैल्यू होता है सर। इसका मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, डिवाइडेड बाई 8। सो यहां से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए आपके पास जो जो वैल्यूज है, 10 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 12 स्क्वायर 10 स्क्वायर 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग आंसर ऑफ 15.44 माइक्रॉन। So this is the answer for this question, 15.44 round up में, hopefully, है ना? Yes, very good. So आप लोगों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या रहा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, बहुत बढ़िया, लाइक करते रहिए सेशन को, लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए, आपको पता है if we are providing solution of particular this paper, no one is providing PI solution in India right now, only we are. Sir, ये तो थोड़ा सा घमंड वाला भाव आ रहा है आपके में, आप जो बात कर रहे हैं, घमंड नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं confidence, इसको बोलते हैं कि आपको अच्छा feel हो रहा है, मतलब obviously मुझे अच्छा feel हो रहा है, क्योंकि ऐसा काम देखिए होता क्या है, जब एक काम सभी करते हैं सो उसमें एक अलग टाइप का कंपटीशन होता है कि हम बेहतर करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे, ठीक है। एक होता है जब आप सिर्फ आप ही कर रहे हो, सो वो बताने का फीचर जो होता है ना, वो चीज आ जाता है फिर, ठीक है ना।
नंबर नहीं पता दोस्त, है ना, मेरे पास पेपर आप ही लोगों के द्वारा, आप ही में से कुछ प्यारे प्यारे जो छात्र हैं उन्होंने ही भेजा है, ठीक है। लाइक कीजिए सेशन, फटाफट शेयर कीजिए। अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, कह रहा है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल विथ जीरो एक एंगल, अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल विथ जीरो रेक एंगल। जीरो रेक एंगल अल्फा इक्वल टू जीरो दे दिया है, कह रहा है इज यूज्ड फॉर ऑर्थोगोनल मशीनिंग, इज यूज्ड फॉर ऑर्थोगोनल मशीनिंग। ऑर्थोगोनल मशीनिंग, ठीक, ऑर्थोगोनल मशीनिंग। इफ द कंप्रेशन रेशियो इज 1.25, नाउ माय डियर, ध्यान देने योग्य बात ना, इफ कंप्रेशन रेशियो, अगर आप मशीनिंग देखोगे जब भी हम पढ़ाते हैं हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि आपका चिप थिकनेस रेशियो आर, जो हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें अगर आपका कंप्रेशन रेशियो दे दिया सो वो वन से ज्यादा देखने को मिलेगा, और यहां पे यस कंप्रेशन रेशियो आपको दे रखा है इज 1.25, देन कह रहा है शेयर एंगल इन डिग्री, फाई इन डिग्री आपको निकालना है, फाई इन डिग्री आपको निकालना है। बिल्कुल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस तरीके का क्वेश्चन, मुझे अब एक चीज समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मेट्रोलॉजी में वो फेंकेगा क्वेश्चन, रफनेस वगैरह से एक आध क्वेश्चन फेंकेगा, है ना, अभी दिखाऊंगा और किस तरीके के सवाल आए हैं, और यहां से सवाल तो आपको देखने को मिलेगा। इस सवाल में क्या है, इस सवाल में कुछ नहीं रखा है सर, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो है कंप्रेशन रेशियो दे रखा है, दैट इज नथिंग बट एच इक्वल टू आपको दे रखा है 1.25, विच इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ आर, यस यस यही तो है, आर का रेसिप्रोकल है। सो यहां पे तो अगर मुझे आर की जरूरत है, मैं जितना फॉर्मूला देखता हूं जहां पे शेयर एंगल निकालना, दैट इज नथिंग बट टेन फाई इक्वल टू आर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर साइन अल्फा। सो उस फॉर्मूले में आर क्या है सर, वो चिप थिकनेस रेशियो, दैट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा। अरे शाबाश दोस्तों, है ना, यही तो बात होती है ना, यही बात होती है, ऐसे ऐसे जब आप लोगों का आंसर होता है ना, मजा ही आ जाता है। ये आ जाएगा 1.25 एंड अल्फा इक्वल टू जीरो दिया, दैट इज नथिंग बट रेक एंगल इक्वल टू जीरो दिया है, एंड वी नो दैट टेन फाइव इक्वल टू आर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर साइन अल्फा। इफ अल्फा इक्वल टू जीरो देन इट विल बिकम इक्वल टू आर, बिकॉज कॉस अल्फा जीरो, कॉस जीरो इज वन, यस सर, एंड साइन जीरो इज जीरो, सो दैट इज नथिंग बट आर, क्लियर। सो यहां से आपका फाई डायरेक्टली निकल आएगा, टेन इनवर्स आर, इट मीन्स दैट वन डिवाइडेड बाई 1.25 कितना आ रहा है भाई, 38.65 डिग्री, नाइस। अरे मन खुश होगा, बस हैप्पली, मैंने बोला है पहले कि इसको ना एक मूवी सेशन की तरह एंजॉय कीजिए, आपको टेंशन नहीं लेना है एग्जाम में जो होना है, अब एक हफ्ता बचा है, इसको एक मूवी सेशन, है ना, लाइक बस मजे कीजिए, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये कह रहा है ड्यूरिंग, देखो ये जो सवाल मैं देने जा रहा हूं ये ना थोड़ा सा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बिलोंगिंग में अगर मैं बात करूंगा तो बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा साथ के साथ, अगर ये टर्म नहीं पता तो ये टर्म आप जान लीजिएगा, लेकिन अगर मैं पीआई के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं या पीआई पर्टिकुलर पीआई का जो प्रिपरेशन कर रहा है उस बच्चे को इस टर्म के बारे में पता होना चाहिए क्या, 100% पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये कह रहा है ड्यूरिंग अ हॉट वर्किंग प्रोसेस द एनालॉगस टेम्परेचर इज 0.8,
कह रहा है ड्यूरिंग, अगला सवाल, ड्यूरिंग हॉट वर्किंग, ड्यूरिंग हॉट वर्किंग, सारे सारे क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, रिलैक्स ना आप मैं कह रहा हूं ना, बस मजे मजे में आएंगे आप, एकदम मजे में आएंगे। ड्यूरिंग हॉट वर्किंग प्रोसेस, ये देखिए ये सवाल थोड़ा सा फंसाने वाला सवाल है ना। ड्यूरिंग हॉट वर्किंग प्रोसेस कह रहा है, ड्यूरिंग हॉट वर्किंग प्रोसेस द होमोलॉगस टेम्परेचर इज, द होमोलॉगस टेम्परेचर इज 0.8, इज 0.8, ठीक है। द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द वर्क मटेरियल इज, द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ वर्क मटेरियल इज 800 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ड्यूरिंग हॉट वर्किंग इज, अब यहां से हॉट वर्किंग में द टेम्परेचर, हॉट वर्किंग में टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, द टेम्परेचर ड्यूरिंग हॉट वर्किंग इज। अब देखो बेटा, जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का जब मैं डेफिनेशन पढ़ाता हूं, उस समय जो 0.3-0.5 का आपका केल्विन में होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर का एब्सोल्यूट वैल्यू का होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ये फंडा जिनको पता होगा उनसे ये सवाल बन गया होगा, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बन गया होगा। सो इस पे बोल रहा है ड्यूरिंग हॉट वर्किंग टेम्परेचर, बस इस पे बोला है डिग्री सेंटीग्रेड में, ड्यूरिंग हॉट वर्किंग टेम्परेचर आपका क्या होगा, द टेम्परेचर ड्यूरिंग हॉट वर्किंग, ड्यूरिंग हॉट वर्किंग इन डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ माय डियर, ये जो होमोलॉगस टेम्परेचर है, दिस इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ द टेम्परेचर्स। आप कह सकते हैं फिलहाल अगर आप हॉट वर्किंग की बात कर रहे हैं, सो दिस इज द नथिंग बट रेशियो ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इन केल्विन टू द मेल्टिंग टेम्परेचर, टू द मेल्टिंग टेम्परेचर इन केल्विन रेशियो है 0.8। ये इसी को होमोलॉगस टेम्परेचर कहते हैं, ये जो रेशियो है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, मतलब अभी तो आपको दिया नहीं है, है ना, आपको बोला है हॉट वर्किंग में कितना टेम्परेचर होगा, वैसे तो बाय डिफॉल्ट आप ले सकते हैं, अगर ये जो रेंज है ना, ये जो आपका होमोलॉगस टेम्परेचर का रेंज है, ये 0 से 1 वैरी करता है, और 0 से 1 वैरी करता है, तो अगर 1 हुआ, ये रेशियो 1 हुआ, इसका मतलब ये जो टेम्परेचर ऊपर आप लिखे हो वो आपका मेल्टिंग टेम्परेचर के बराबर है। सो एक्चुअली इसके वेरिएशन पे हम डिसाइड करते हैं कि ये टेम्परेचर कौन सा बता रहा है, क्या ये हॉट वर्किंग बता रहा है, क्या ये कोल्ड वर्किंग बता रहा है, क्या ये वार्म वर्किंग है ना, तो वो बताता है। सो ऑब्वियसली दोस्त, अगर रेशियो 0.5 से ऊपर है, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की बात कर रहा है, और ये पर्टिकुलर जिस मटेरियल की बात कर रहे हैं हम, वहां पे 0.8 दे रखा है, मतलब ड्यूरिंग द हॉट वर्किंग आपका होमोलॉगस टेम्परेचर दे रखा है, जब वहां पे हॉट वर्क हो रहा होगा तब होमोलॉगस टेम्परेचर दे रखा है, इसका मतलब है कि 0.8 आपका रेशियो है, जो आपका ये वर्किंग टेम्परेचर है, हॉट वर्किंग टेम्परेचर, ये वर्किंग टेम्परेचर होगा दोस्त, ये वर्किंग टेम्परेचर है, ये मेल्टिंग टेम्परेचर आपको दे रखा है, बस अर्थ ये है कि ये जो रेशियो होता है वो केल्विन में होता है, आपको दिया डिग्री सेंटीग्रेड में, पूछा भी डिग्री सेंटीग्रेड में, बस अर्थ ये है कि इस पे आप डायरेक्टली डिग्री सेंटीग्रेड में पुट कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, आपको केल्विन में कन्वर्ट करके पुट करना रहेगा। रोलिंग में बताया हूं, बिल्कुल बताया हूं दोस्त, बिल्कुल बताया हूं। सो यहां से आपका ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर या जो वर्किंग टेम्परेचर है केल्विन में आ जाएगा, आपका जो मेल्टिंग टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, बिल्कुल सर इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, 273 डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 का प्लस करेंगे, अगर ये नहीं पता तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लीज छोड़ दीजिए,
अगर ये नहीं पता तो प्लीज छोड़ दीजिए, आप सभी को पता होगा 100% सर हम सभी को पता है ना, और नहीं पता तो बेटा हम तैयारी शुरू करेंगे, जानना शुरू कीजिए ठीक है। सो यहां से आपका ये हो जाएगा 0.8 और आपका मेरे पास तो कैलकुलेशन है, यस यहां से ये टी आ रहा है इन केल्विन 858.4 केल्विन आ रहा है, पूछा डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपका वर्किंग टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में लाने के लिए सर इसमें 273 का माइनस कर दूंगा, माइनस 273 केल्विन, तो इसको माइनस कर दूंगा तो फाइनली आपका आंसर कितना आ रहा है 585.4, वेरी गुड 585.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा ठीक है, कोई कह रहा है सर 273.15 रखना चाहिए सर, देखिए बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं इस बात से कोई वो नहीं करूंगा है ना कि हटूंगा नहीं कि आप 273.15 लेंगे तब भी सही है, 273 लेंगे तब भी सही है, इस बात के लिए हम वहां पे आईआईटी से मांग रख सकते हैं कि भाई आपका जो रेंज है उसको प्रॉपर दीजिए, आइदर आपको बताना चाहिए है ना कि 273.15 ही एग्जैक्ट आपको लेना है इस तरीके से, सो चिंता वाली बात नहीं है। यस 285.4 डिग्री सेंटीग्रेड इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, इस पे पूछा था उसका आंसर निकल गया, अगला क्वेश्चन अगला सवाल, वेरी गुड अगले सवाल के बारे में बात करते हैं, बड़ा प्यारा सवाल फ्रॉम द थ्योरी ऑफ मशीन, फ्रॉम द थ्योरी ऑफ मशीन टॉम का सवाल है। कह रहा है इन अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द क्रैंक रोटेट्स एट 60 आरपीएम, इन अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म the crank rotates at 60 rpm। कह रहा है the radius of the crank is 30 mm and the length of the connecting rod is 120 mm, the radius of crank is 30 mm and length of connecting rod is 120 mm। कह रहा है द एवरेज स्पीड इन एमएम पर सेकेंड ऑफ द पिस्टन ओवर वन रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक इज, द एवरेज स्पीड ऑफ पिस्टन ओवर वन रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक इज, आपको इस तरीके से पिस्टन सिलेंडर भी दे रखा है, ये क्रैंक दे रखा है 30 mm, ये दे रखा है 120 mm, ठीक है ना, इस तरीके से ही दे रखा है ठीक है। एक रिवॉल्यूशन में कितना इसका एवरेज स्पीड होगा ये पूछ रखा है, किसका, पिस्टन का ना ध्यान दीजिएगा, पिस्टन का स्पीड पूछा है और कब पूछा है, ओवर वन रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक,
सो यार ये जो क्रैंक है, ये जो क्रैंक है सर, आपका क्रैंक तो कंप्लीट रोटेशन में आएगा, बिल्कुल सर कंप्लीट रोटेशन में आएगा, है ना, इस तरीके से आपका टोटल कितना घूमेगा सर, 360 डिग्री आपका जो क्रैंक है वो कितना घूमने वाला है, वन रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री घूमेगा क्रैंक इन वन रिवॉल्यूशन, यस सर 360 डिग्री। अगर मैं रेडियन में देखूंगा तो कितना कवर किया, 360 को क्या बोल सकता हूं, 2 पाई रेडियन में, दिस इज नथिंग बट 2 पाई रेडियन, यस। सो एक रोटेशन में, एक रिवॉल्यूशन में क्रैंक कितना घूमा, 360 डिग्री, दैट इज नथिंग बट 2 पाई रिवॉल्यूशन और आपका 2 पाई रेडियन होने वाला है, बिल्कुल सर यह होने वाला है। नाउ माय डियर एक चीज, मुझे किसका एवरेज स्पीड पूछा है, पिस्टन का, ये नहीं पूछा है कि मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, या इस पोजीशन में क्या है इंस्टेंटेनियस, ये नहीं पूछा है, ये पूछा है एवरेज एक रिवॉल्यूशन में कितना होगा। भाई इसका स्पीड बढ़ेगा भी, कम भी होगा, जीरो भी होगा, एवरेज पूछा है ना। सो ये देखिए, ये जो पिस्टन है ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है सर, पिस्टन आपका टोटल कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है, अगर वो मैं निकाल लिया यहां से यहां, ये टोटल ऑब्वियसली एक रिवॉल्यूशन में अगर मैं बोलूंगा, सो पिस्टन एक बार यहां से, ध्यान से सुनना ना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं और ये काम की चीज है, ठीक है ना, एक रिवॉल्यूशन में जो पिस्टन है वो पॉइंट वन से लेकर पॉइंट टू तक जाएगा, बिल्कुल सर पॉइंट टू तक जाएगा, और पॉइंट टू से लेके पॉइंट वन तक आएगा। सो इसी तरीके से तो होगा एक रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन में यहां से लेके यहां तक, यह हाफ रिवॉल्यूशन का केस हुआ, हाफ रिवॉल्यूशन में यहां तक आएगा, मतलब टोटल एक रिवॉल्यूशन में क्या होगा, यस सर यहां से लेके यहां तक, फिर वहां से वापस आएगा। मानते हो इस बात को, बिल्कुल सर 100% इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, यही तो सीखे हैं। एक रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक, जब क्रैंक यहां पे होगा सो ये पिस्टन यहां एसएम पोजीशन पे होगा, जब क्रैंक घूम के यहां पे आ जाएगा सो ये वाला जो पिस्टन है यहां पे हो जाएगा, फिर वहां से घूम के यहां पे आएगा तो यहां से यहां, सो टोटल एक रिवॉल्यूशन में सर यहां से यहां और यहां से यहां, यही तो कंप्लीट करने वाला है। और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये सर स्ट्रोक लेंथ है, स्ट्रोक लेंथ है। इसेंट्रिसिटी है क्या इस पे, नहीं सर इस पे इसेंट्रिसिटी नहीं है, तो इसका स्ट्रोक लेंथ कितना होगा सर, इसका स्ट्रोक लेंथ कितना होगा सर, अरे सर स्ट्रोक लेंथ सर क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रोक लेंथ तो सर इस पे 2r के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसेंट्रिसिटी तो नहीं है, इसेंट्रिसिटी नहीं है, 2r, 2r इज व्हाट, r इज व्हाट क्रैंक रेडियस, मतलब ये हो जाएगा 2 × 30, मतलब ये हो जाएगा 60, 60 mm इज द स्ट्रोक लेंथ, मतलब एक बार 60 mm, दूसरी बार सिस्टम है, मतलब टोटल एक रिवॉल्यूशन में आपका पिस्टन कितना डिस्टेंस कवर किया, 120 mm, कितना 120 mm, सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 120 mm, बहुत बढ़िया सर 120 mm टोटल डिस्टेंस हुआ, बहुत बढ़िया। नाउ माय डियर आपका जो पिस्टन है, सॉरी जो क्रैंक है उसका एक रिवॉल्यूशन होने में कितना समय लग रहा है, वो घूम रहा सर 60 rpm से, अगर ये 60 आरपीएम से घूम रहा है तो इसका ओमेगा निकाल सकता हूं, बिल्कुल सर ओमेगा इक्वल टू सर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60 और एन भी आपका 60 दे रखा है तो ये हो जाएगा 2 पाई ओमेगा इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, दिस इज द ओमेगा, अरे दिस इज ओमेगा रेडियन पर सेकंड मैन, ओके नाउ माय डियर आपका अगर मैं थीटा ओमेगा और टी में रिलेशन देखूंगा सो ओमेगा इंटू टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, थीटा इज व्हाट दिस सर, और थीटा इक्वल टू कितना मैं देखना चाह रहा हूं, आप टाइम देखना चाह रहे हो ना, कितना टाइम एक रिवॉल्यूशन के लिए लगा, सो आपको ये पता है, ये रिलेशन पता है क्या, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, यस सर ये रिलेशन पता है, सो थीटा इक्वल टू कितना है एक रिवॉल्यूशन में सर, 2 पाई रेडियन में देखना है, यस सर क्योंकि ओमेगा हम रेडियन में देखना चाह रहे हैं, सो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन और आपका ओमेगा भी कितना है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड है, तो यहां से जो टाइम निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 सेकेंड, दिस इज द टाइम, टोटल डिस्टेंस आपको पता है, टाइम पता है, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो पिस्टन का, हाँ सर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज
वेलोसिटी सर, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हाउ मच सर, टोटल डिस्टेंस 120 mm डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज योर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड 120 mm पर सेकेंड। सवाल आसान है, थोड़ा सा बात करना था बस, ठीक, बहुत बढ़िया। सो 120 mm पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, 120 mm पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक, वेरी गुड। सो एक ही सवाल था थ्योरी ऑफ मशीन से, ये सवाल, ठीक है ना, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो होपफुली आपको समझ में आ रही बात है कि किस तरीके की चीजें पूछी गई है इसमें। ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़े नहीं है, ज्यादा नहीं, 10 से 15 सेकंड बैठ के आराम से दिमाग लगाना रहेगा। अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है जी, ये आपकी है क्या सर? ये आपकी है क्या? क्यों जरूरत है? हाँ मशीन चल रही है, जरूरत है, ठीक है ना, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना ना, ले लीजिए 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 दोस्त, बिल्कुल लीजिए, ठीक है। एमएम पर सेकंड में पूछा था, है ना, आई थिंक मेरे पास जो है उसमें एमएम पर सेकंड में पूछा था, ठीक ना, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला सवाल है, ये है ट्रसेस का सवाल, कह रहा है इन अ थ्री मेंबर ट्रसेस ट्रस शोन इन द फिगर ए सी इक्वल टू बी सी, ओके, इन द थ्री मेंबर्स ट्रस शोन इन फिगर on in figure AC equal to BC that is given and external force of 10 kN is applied at B and external force of 10 kN is applied at B B parallel to AC, parallel to AC, अच्छा parallel to AC, the force in the member BC is, the force in the member BC is, the force in member BC is, ठीक, आपको ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए बोला है 10 किलो न्यूटन टेंसाइल, ऑप्शन बी जीरो सॉरी 10 किलो न्यूटन कंप्रेसिव, ऑप्शन सी जीरो एंड ऑप्शन डी 7.07 किलो न्यूटन टेंसाइल, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और जो ट्रस है वो इस तरीके से दिया है, जो पेपर दिए हैं वो क्वेश्चन जरूर देखते जाइएगा, कहीं पे लगता है डेटा ऊपर नीचे है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, और जो क्वेश्चन जो पेपर नहीं दिए हैं वो सिर्फ सवाल देखते जाइए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत काम आने वाला है। मैंने कहा है मूवी एंजॉय करो 3 से 3.5 घंटा भी, अब ठीक है, ये है ए, ये दे रखा है बी, ये दे रखा है सी, ये दे रखा है 10 kN और ये दोनों बराबर है, तो ये वाला एंगल है आपका 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री होगा। आपको फोर्स किस में पूछा है? आपको फोर्स पूछा है सर इस वाले मेंबर में, कौन से वाले मेंबर में? ये वाले मेंबर में सर, ये वाले मेंबर में फोर्स पूछा है। सभी मेंबर में मैं टेंसाइल फोर्स मान लिया, इसमें भी टेंसाइल मान लिया, दिस इज नथिंग बट फोर्स, ए भी आ जाएगा
और ये वाले मेंबर में फोर्स इन द बीसी, और आपको फोर्स इन द मेंबर बीसी पूछ रखा है, बिल्कुल सर। सो ज्वाइंट बी को अगर मैंने कंसीडर किया यहां पे, सो बड़े आराम से सर बिल्कुल ज्वाइंट बी को हम कंसीडर कर सकते हैं। सो ज्वाइंट बी को अगर मैं कंसीडर करूंगा तो ये इस तरीके से दिखेगा क्या? यस सर, ये ज्वाइंट बी को हमने कंसीडर कर लिया, बी को। आपके एंगल्स कितने कितने हैं? 45 डिग्री, यस, ये भी 45 डिग्री हो जाए। अरे भाई, ये अगर इसके पैरेलल है मतलब ये हॉरिजॉन्टल हुआ, यस सर हॉरिजॉन्टल हुआ, हॉरिजॉन्टल है, और ये वर्टिकल है, बिल्कुल है ना, मेरे पास जैसा है, इसके अलावा और कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि है, ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, ठीक है। तो आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री, सो इसके पैरेलल है, यस सर, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया और ये इंक्लाइंड हो गया। सो ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल दोनों के बीच 90 डिग्री, यस सर 90 डिग्री। ये वाला फोर्स कितना हो गया? ये वाला फोर्स आपका फोर्स ए बी हो जाएगा सर। ये वाला फोर्स कितना हो गया सर? फोर्स बी सी हो जाएगा सर। और ये वाला जो फोर्स है वो है 10 किलो न्यूटन। यार आपको ये निकालने के लिए बोला है, ये वाला, ये नहीं निकाल सकते, अरे सर लामिस लगाओ यार, निकाल दो, खत्म करो बात को। सो अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आई इसका मतलब टेंसाइल होगा, अगर निगेटिव आया सो कंप्रेसिव होगा, बड़ा सिंपल है। सो अब मैं लगाता हूं 10 किलो न्यूटन, इसको ले रहा हूं, सो ये वाला एंगल साइन 45, दोनों फोर्स के बीच का एंगल, यस सर। दूसरा मुझे जो निकालना है, तो एफ बी सी डिवाइडेड बाय अगेन ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल साइन 45, बिल्कुल सर। सो 45 आपका कैंसल हो जाएगा, एफ बी सी पॉजिटिव आ रहा है 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस दैट टेंसाइल ही होगा सर। सो एज पर द क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं? स्क्रीनशॉट बिल्कुल चिपका दीजिए एक। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आई डोंट थिंक सो कि कोई एमएसक्यू था, है ना, मुझे नहीं लगता। फिर भी मैं जब तक प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं कर लेता स्टूडेंट्स जो एग्जाम देके आए हैं, अभी तो मुझे सिर्फ पेपर मिला है, उनसे बात करने का डिटेल मौका नहीं मिल पाया है। मैं बात करूंगा, जस्ट अभी सेशन खत्म करूंगा, दूसरे फैकल्टी आएंगे, तब तक मैं आपके लिए डेटा कलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अगला सवाल, बड़ा प्यारा सवाल, अगला सवाल, अरे यार सवाल की बात करते हैं ना, सवाल की बात करते हैं। कह रहे इन असेंबली कंप्राइजिंग, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूं, सुनना बस इसको, ये कह रहा है इन असेंबली कंप्राइजिंग शाफ्ट एंड होल द नॉमिनल साइजेस विद द टॉलरेंस आर स्पेसिफाइड एज होल, होल दे रखा है आपको 25.000 प्लस 0.002 एंड माइनस 0.001 mm, ठीक, एंड शाफ्ट आपको दे रखा है 25.000 प्लस 0.001 एंड माइनस 0.003 mm, पूछ रहा है टाइप ऑफ फिट, बता दो यार, मेरे लिखने से पहले टाइप ऑफ फिट बता दो, ऑप्शन लिखने से पहले टाइप ऑफ फिट बता दो, ऑप्शन लिखने से पहले टाइप ऑफ फिट बता दो। अरे यार ये नहीं बताया तो क्या बताया, ये नहीं बताया तो क्या बताया दोस्त, ऑप्शन बी रनिंग फिट, ये देखो रनिंग फिट दिया है और एक क्लियरेंस फिट दिया है, तो ये तो थोड़ी सी क्या हुई, बेवकूफी वाली बात हो गई, और इस पे आपको तुरंत दिमाग लगा लेना चाहिए कि ये दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि ये बात तो सिमिलर हो गई, ठीक है। डी दे रखा है इंटरफेरेंस फिट, बता दिए क्या? अरे 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 अरे
इसीलिए तो मैं बोलता हूं ना, इसीलिए बोलता हूं आप लोग हो मूवी के मजे ले रहे हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर, बड़ा सिंपल सा है सर, ये होल है और ये शाफ्ट है, दोनों का अगर मैं टॉलरेंस जोन बनाऊंगा तो टॉलरेंस जोन मुझे साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ओवरलैप करेगा। अरे ये कौन एक गलत बता रहा है, गलत नहीं बता रहा है भाई, ये अगर जीरो लाइन हुआ, ये अगर जीरो लाइन हो गया, ये सॉरी नीचे वाला आपका, ये जीरो लाइन हो गया, ये जीरो लाइन हो गया, ठीक है सर, ये रेफरेंस हो गया, बिल्कुल सर रेफरेंस हो गया, जीरो लाइन मतलब 25 सर। अगर मैं होल की बात करूं तो आपका प्लस माइनस, प्लस में है 0.002, माइनस में है 0.01। यस सर, ये किसका हुआ, होल का हुआ। अगर मैं शाफ्ट के बारे में बात करूंगा तो शाफ्ट का कितना है, यस सर प्लस 0.001 एंड माइनस में है 0.003। तो एक चीज देखिए, आपका जो टॉलरेंस जोन है ये तो होल हो गया, ये शाफ्ट हो गया, और ये बनाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूं, है ना। यहीं से ही बता सकते थे, अरे सर इसका प्लस 0.001 mm है, प्लस में है ना, प्लस में है, और इसका आपका प्लस 0.002 है, सो 0.01 और 0.002 तो सर ओवरलैप कर रहे होंगे ना, 100% ओवरलैप कर रहे होंगे। सो आप देख सकते हैं कि यहां पे आपका जो टॉलरेंस जोन है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, और जब ओवरलैप करते हैं शाफ्ट और होल का टॉलरेंस जोन एक दूसरे को, सो उस समय कौन सा फिट होता है, ट्रांजिशन फिट होता है, ट्रांजिशन फिट होता है, ठीक। अरे अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास क्वेश्चन, यस अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, एक सवाल, ठीक है। ये कह रहा है सिलेंड्रिकल, अ सिलेंड्रिकल वर्कपीस इज टर्न्ड यूजिंग टू डिफरेंट टूल्स, है ना। सर को रेडी रहने के लिए बोलिए, बंसल सर को, ठीक है ना, रेडी रहने के लिए बोलिए, इसके बाद आपके लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आने वाला है। चलिए, मैं कह रहा था क्या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अरे यार ये समझा दो, वो समझा दो, सलमान भाई, सलमान भाई, अरे मेरे दोस्त, समझा रखा हूं, नाम से क्या समझ में आता है, नाम से क्या समझ में आता है, रनिंग चलेगा वो, ठीक है ना, दैट इज नथिंग बट काइंड ऑफ क्लियरेंस फिट सा, अरे अरे दोस्त, ठीक है, चलिए, वो कोई स्पेशल काइंड ऑफ फिट नहीं है ना, उसके स्पेसिफिक में जाओगे क्लियरेंस में तब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अ सिलेंड्रिकल वर्कपीस इज टर्न यूजिंग टू डिफरेंट टूल्स, कह रहा है अ सिलेंड्रिकल वर्कपीस, शेयर मारते रहिए दोस्तों, है ना, मैंने कहा है ये मूवी है, इसको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ मूवी की तरह ही एंजॉय करना है, बड़ा मजेदार चीजें है इस पे। अ सिलेंड्रिकल वर्कपीस इज टर्न्ड यूजिंग टू डिफरेंट टूल्स, टू डिफरेंट टूल्स, टूल नंबर वन, टूल वन, टूल वन कह रहा है नोज रेडियस जीरो है, आर इक्वल टू जीरो, साइड कटिंग एज एंगल आपको दे रखा है 20 डिग्री, एंड कटिंग एज एंगल आपको दे रखा है 10 डिग्री रेस्पेक्टिवली। जो टूल टू है उसका नोज रेडियस है 0.5 mm एंड दोनों में जो फीड है, दोनों में जो फीड है वो है 0.5
टू एम एम पर रिवोल्यूशन। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ आइडियल मैक्सिमम हाइट, द रेशियो ऑफ आइडियल मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ अनइवननेस ऑन द सरफेस प्रोड्यूस ऑफ अनइवननेस, अनइवननेस ऑन द सरफेस प्रोड्यूस, By tool one and tool two is, है ना, सरफेस प्रोड्यूस बाय टूल वन, टूल वन टू टूल टू। आपको रेशियो पूछा है दोस्तों, आपको रेशियो पूछा है, ठीक है। चलिए चलिए, आपको आपको ना यहां पे रेशियो पूछ रखा है। क्या रेशियो पूछा है? ये सवाल देख के जिस बच्चे को दो फॉर्मूले याद नहीं आ रहा है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में और मुझसे पढ़ा है, है ना, तो उसकी सजा किसको मिलनी चाहिए? मुझे मिलनी चाहिए, बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूले अगर मैं याद नहीं करवा पाया या आपको फॉर्मूला धुंधला धुंधला सा भी याद नहीं आ रहा है तो फिर तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है दोस्त। फॉर्मूला आपको याद आ जाना चाहिए, बिल्कुल। अगर आपके पास रेडियस जीरो होता है, नोज रेडियस, तब एच मैक्सिमम जब हम साइड कटिंग एज एंगल और इन कटिंग एज एंगल की बात करते हैं उस समय लगाते हैं टेन साइड कटिंग एज एंगल प्लस कॉट एंड कटिंग एज एंगल, और दूसरा आपका होता है जब नोज रेडियस होता है उस समय एस एच मैक्सिमम एफ स्क्वायर बाय एट आर। एफ दोनों में दे रखा है कितना, दैट इज योर सर 0.2 mm, और ये आपका सी एस दे रखा है साइड कटिंग एज एंगल 20 डिग्री, इन कटिंग एज एंगल दे रखा है 10 डिग्री, 10 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 0.2 स्क्वायर, और ये 8 इंटू 0.5, ये दोनों का रेशियो है। ये आपका टूल वन से जो आपका सरफेस रफनेस मिलेगा उसका मैक्सिमम अनइवननेस, और ये आपका टूल टू से जो मिलेगा, ये जो टूल टू से मिलेगा वो, तो दोनों का रेशियो बोला है। अरे अरे अरे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। सो ये रेशियो कितना आया सर? ये रेशियो आया एच मैक्सिमम वन टू एच मैक्सिमम टू इक्वल टू, दोनों का रेशियो आप कर रहे हैं तो 3.31। वेरी गुड, दिस इज गोइंग टू बी आंसर, दिस इज गोइंग टू बी आंसर, वेरी गुड। लास्ट सवाल फ्रॉम माय साइड, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस क्वेश्चन if you want this kind of question। actually मैं last year करवाया था my 10 में, इस साल तो मैं नहीं करवा पाया, there are some reasons, और मैं जब पढ़ाते रहता हूं उसी समय बता देता हूं, है ना, तो ये रेशियो पूछ दिया directly data देखे, ठीक है। now let's move forward, अगला सवाल for the day, last सवाल from the my side, बाकी सवाल भी आपको कराए जाएंगे कंटिन्यूअसली, ये चलते रहेगा सेशन, ठीक है ना। सर इज रेडी फ्रॉम देयर साइड, ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द माय साइड, और उसके बाद शिफ्ट, हाँ ठीक। क्या रहा है इन इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग, इसका आंसर बताना बेटा। क्वेश्चन देखिए ना, व्हाट अ क्वेश्चन, बोलेंगे सर ये तो पढ़ा है, सर मेरा जो कंप्लीट रिविजन भी देखा होगा वो भी बता देगा। इन इंजेक्शन मोल्डिंग, इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग
इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग ऑफ प्लास्टिक बियरेज बॉटल्स ऑफ प्लास्टिक बियरेज बॉटल्स, जो खाने पीने की चीजों में जो प्लास्टिक बॉटल यूज होता है उसको इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाया जाता है। बिल्कुल सर, बियरेज बॉटल्स द ब्लू इज accomplished by the blowing, जिससे आपका जो हम छोटा सा ट्यूब लेते हैं ना, छोटा सा ट्यूब लेते हैं, ब्लो मोल्डिंग में क्या करते हैं सर, एक अपन विस्कस ट्यूब लेते हैं छोटा सा, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, वहां से अपन उसको ब्लो करते हैं, ठीक रहेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियर ना, ठीक है, कह रहे हैं बेवरेज बॉटल्स द ब्लोइंग इज accomplished by ऑप्शन ए, अल्कोहल से होता है वो ब्लोइंग। ये इसका आंसर सही कर दिया तो मजा आ जाएगा, अल्कोहल हॉट वाटर, ऑप्शन बी है हॉट वाटर, ऑप्शन सी है हॉट एयर, ऑप्शन डी है हॉट ऑयल। कौन सा होगा दोस्त, कौन सा होगा? यस, नाइस, कौन सा होगा आपके अकॉर्डिंग? अरे आंसर करो, आंसर करो, बॉटल में व्यस्त हो गए हैं, मौका मिलना चाहिए बस। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बनता है बॉटल, तो एग्जाम पहले दे लो, ठीक है, उसके बाद चेक करने के लिए फॉर द एक्सपेरिमेंट कि किससे आपका ब्लोइंग हुआ है वो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज दैट इज योर सी, आपका एयर से ब्लो करते हैं। अगर मैं बात करूं वो इस तरीके से कुछ सेटअप आपका होने वाला है ना, ये डाई हो गया, ब्लो मोल्डिंग तो एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत अंग है ना, इंपॉर्टेंट हिस्सा है भाई। ये यहां से अलग हो सकता है सर, यहां पे इस तरीके से क्लैंपिंग कर देंगे, ये क्लैंपिंग हो जाता है और यहां आपका सिस्टम लगा रहेगा इस तरीके से, यहां से एयर प्रोवाइड करते हो, हॉट एयर, क्या हॉट एयर्स प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से ये क्या होता है ब्लो होके इस पे ऐसा चिपक जाएगा और आपको एक बॉटल शेप, हमको अभी बॉटल चाहिए था तो एक बॉटल मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक, ओके। नाउ आइडिया दिस इज द एंड फ्रॉम द माई साइड, है ना, फ्रॉम माई साइड। मैं और आऊंगा अभी, अभी आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस देखेंगे बाय बंसल सर, रेडी, ठीक, एक बार दिल बना दीजिए बंसल सर के स्वागत में, ठीक है। चलिए मैं भी वेलकम करता हूं बंसल सर, ये क्यों नहीं है, कौन, सबसे पहली बात आ गए क्या सर? नहीं नहीं सर, रेडी है सर, रेडी है ना, हाँ बेटा, ये क्यों नहीं है, इसका आंसर मैं दे देता हूं, अल्कोहल महंगा है पहली चीज, दूसरी चीज उससे आपका यहाँ पे ब्लो करना, उतना प्रेशर में क्रिएट करना, दैट इज नॉट द फिजिबल ना, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे कुछ कुछ चीजें थी इसलिए मैं नहीं आ पाया था। चलिए बंसल सर के लिए रेडी,
हाँ भैया, मैं स्टार्ट स्ट्रीमिंग किया हूँ। हाँ हाँ सर, हो गया सर। हो गया ना? हाँ हाँ हो गया। ठीक है। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? एक बार कंफर्म करो सब। हेलो हेलो, फाइन फाइन साइन है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं ना बिना देरी के आज का सेशन। सब रेडी हो? देख रहा था क्वेश्चन से आता तो क्या बोतल बोतल का बात चल रहा था, क्या चल रहा था? स्टार्ट करें फिर। ऑडियो वीडियो क्लियर? फटाफट सेशन को एक बार शेयर कर दो तुम लोग। ठीक है, हम लोग अभी जो सब्जेक्ट डील करेंगे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिजाइन के जितने भी क्वेश्चन आए थे तुम लोग के, जो क्वेश्चन हम लोग के पास अवेलेबल हो पाए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सब रेडी रहना ना। स्टार्ट सर? ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करा ना बिना देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं बिना कोई विलंब किए। ये तुम लोग का पहला क्वेश्चन है, मशीन डिजाइन का क्वेश्चन है बोल सकते हैं अपन। यील्डिंग स्टार्ट्स इन अ मटेरियल व्हेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर 100 मेगा पास्कल कॉमा 100 मेगा पास्कल एंड 200 मेगा पास्कल। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एज पर विनमाइसिस क्राइटेरिया यानी डिस्टॉर्शन एनर्जी क्राइटेरिया, यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल इन मेगा पास्कल विल बी, यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल इन मेगा पास्कल विल बी। क्या रहा है पहले तुम लोग बताओ इसका आंसर, फिर हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। फटाफट लाइव चैट में जो भी आंसर आया डिस्कस करते जाओ। बोतल तेरा के बाद पेप्सी की बोतल खोल लेना, ये सब बोतल नहीं खेलना। क्या रहा आंसर पहले लाइव चैट में लिखो, तुम लोग का क्या आया? प्रणाम प्रणाम प्रणाम, 100। चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड। इधर ध्यान देना, मेरे को हो रहा है एक मटेरियल में यील्डिंग स्टार्ट हो रहा है एज पर वन माइसस क्राइटेरिया, जब मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना है, तीन प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया, किसी भी एक को सिग्मा वन बोल दो 100 मेगा पास्कल, सेकेंड प्रिंसिपल स्ट्रेस भी 100 मेगा पास्कल है उसको मैं सिग्मा टू बोल दे रहा हूँ, एंड थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस 200 मेगा पास्कल है उसको मैं सिग्मा थ्री बोल दे रहा हूँ। क्लियर पॉइंट? अब मेरे को बोल रहा है एज पर अगर इस स्ट्रेस कंडीशन में यील्ड हो रहा है तो एज पर वाइल्ड वन माइसस क्राइटेरिया उसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा। तो एज पर वन माइसस क्राइटेरिया उसका यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ मतलब अगर हम लोग बात करें यील्ड स्ट्रेंथ का, कभी भी बात कर रहा है और मेंशन नहीं किया कौन सा यील्ड स्ट्रेंथ, तो टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ का बात कर रहा है। टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ मतलब अगर मैं इसमें 1D टेंसाइल स्ट्रेस लगाऊंगा तो जिस स्ट्रेस वैल्यू पे उसका यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, और मान लो जिस स्ट्रेस वैल्यू पे 1D टेंसाइल स्ट्रेस लगाने पे उसका यील्डिंग स्टार्ट हो जा रहा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सिग्मा एफ। अब मैं क्या करूंगा, इस एक्चुअल कंडीशन का डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालूंगा, कारण क्योंकि वन माइसस क्राइटेरिया बोला है, वन माइसस क्राइटेरिया में फेलवर का क्राइटेरिया क्या होता है? डिस्टॉर्शन एनर्जी। तो इस एक्चुअल कंडीशन का मैं डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालूंगा, उसको इक्वेट कर दूंगा इस 1D टेंसाइल स्ट्रेस कंडीशन के डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से, तब जो सिग्मा एफ की वैल्यू आएगी ये इस मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा एज पर वन माइसस क्राइटेरिया। और डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? 1/6g। ये बाहर वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो कट जाएगा, ये अंदर वाला इंपॉर्टेंट है। सिग्मा 1² प्लस सिग्मा 2² प्लस सिग्मा 3² माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1, जहां सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 क्या है? मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेस है। एक्चुअल कंडीशन में सिग्मा 1 की वैल्यू 100 है, सिग्मा 2 की वैल्यू 100 है और सिग्मा 3 की वैल्यू 200 है। तो अगर मैं एक्चुअल कंडीशन में यील्डिंग के समय डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालूं तो क्या आएगा? इस फॉर्मूले में सिग्मा 1 की जगह 100, सिग्मा 2 की जगह 100 और सिग्मा 3 की जगह 200 पुट कर दो तो ये कितना आएगा? 1/6g इन ब्रैकेट, ये बाहर वाला कट जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 इज 100 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 2 इज 100 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर, सिग्मा 3 200 स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा 1 सिग्मा 2, सिग्मा 1 100 सिग्मा 2 भी 100, ठीक है, प्लस इधर लिख दे रहा हूं सिग्मा 2 सिग्मा 3, सिग्मा 2 100 सिग्मा 3 200 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1, सिग्मा 3 200 और सिग्मा 1 100, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया एक्चुअल कंडीशन का डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको इक्वेट कर दो टेंसाइल टेस्ट में या 1D टेंसाइल स्ट्रेस में डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से। अच्छा, 1D टेंसाइल स्ट्रेस के समय जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा सिग्मा 1 सिग्मा एफ के बराबर ही होगा और सिग्मा 2 जीरो होगा और सिग्मा 3 जीरो होगा। अगर कभी भी 1D नॉर्मल स्ट्रेस मान लो सिग्मा आ रहा है,
तो उसका एक प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा होगा, बाकी दो जीरो होगा। तो यहाँ 1D टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एफ आ रहा है, तो एक प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा एफ हो गया, दूसरा सिग्मा जीरो, सिग्मा टू जीरो, सिग्मा थ्री जीरो। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में सिग्मा वन की जगह सिग्मा एफ, सिग्मा टू की जगह जीरो और सिग्मा थ्री की जगह जीरो पुट कर दोगे, तो इस कंडीशन का डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, और वो कितना आएगा, 1/6g, बार वाला तो पार्ट कट जाएगा, इन ब्रैकेट सिग्मा वन की जगह सिग्मा एफ का स्क्वायर, और बाकी पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा टू जीरो, सिग्मा थ्री जीरो, इसमें सिग्मा टू जीरो तो ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ सिग्मा टू सिग्मा थ्री दोनों जीरो है, यहाँ सिग्मा थ्री जीरो तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, इतना। और इन दोनों को इक्वेट करने पे जो सिग्मा एफ की वैल्यू आएगी वो इस मटेरियल का क्या हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेस एज पर 1-6 क्राइटेरिया, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 100 MPa। आ रहा है क्या सबका आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, प्रदीप, साईनाथ, हितेश, वेरी गुड रोशन, कितना आ रहा है, 100 MPa। तो इसका एक्चुअल आंसर कितना हो गया, 100 यूनिट का ध्यान देना, किस में पूछा था, MPa में, वही आ रहा है। क्लियर, किसी को भी कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, सेकंड क्वेश्चन इसका आंसर क्या रहा है, ये भी डिजाइन का ही क्वेश्चन है, इसको मशीन डिजाइन का बोल दो या सॉम का, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। कितना रहा है सेकंड का आंसर, फटाफट, बस ऐसे ही क्वेश्चन गेट में मिलने वाला है सॉम का, बस इसमें पीआई ब्रांच में एक क्वेश्चन थिक प्रेशर वेसल का आया है, वो मेरे ख्याल से मैकेनिकल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल में सिलेबस में नहीं है, वो एक अलग मैटर है। क्या रहा है इसका आंसर, चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन, और बाकी किसी और का क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में, अ शाफ्ट यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर ऑफ 10 kW, तो एक शाफ्ट है जो कितना पावर ट्रांसमिट कर रहा है सर, 10 kW, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करूं तो 10,000 W लिख सकता हूं क्या, हाँ सर लिख सकते हो, कौन मना किया, अच्छा नहीं है, ठीक है। यील्ड स्ट्रेस, और कौन सा यील्ड स्ट्रेस दिया, ये ध्यान से देखना, शियर यील्ड स्ट्रेस, शियर यील्ड स्ट्रेस यानी इसका शियर स्ट्रेंथ दिया इनडायरेक्टली, और इसका शियर स्ट्रेंथ कितना दिया मेरे को मटेरियल का, 250 MPa, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। शियर स्ट्रेंथ को एक बार के लिए मैं टाउ वेब से डिनोट कर दूं, तो शियर स्ट्रेंथ कितना दिया है, 250 MPa या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मैथमेटिकली MPa और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर सेम वैल्यू देता है, ठीक है। एंड डिजाइन करते समय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है वो भी दे दिया है, कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके डिजाइन करना है, 2। शाफ्ट रोटेट्स एट 1440 RPM, तो शाफ्ट का रनिंग स्पीड कितना दिया है, 1440 RPM, अच्छा आरपीएम में स्पीड दिया तो रेडियन पर सेकंड में निकाल सकते हो, और पावर और स्पीड पता है तो मेरा टॉर्क निकल जाएगा कि शाफ्ट में कितना टॉर्क आ रहा है, क्लियर पॉइंट, ये हो गया। तो मेरे को अच्छा डायमीटर ऑफ शाफ्ट इन mm बेस्ड ऑन स्टैटिक स्ट्रेंथ, मतलब हम लोग को स्टैटिक कंडीशन में ये मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और स्टैटिक कंडीशन में फेलवर का क्राइटेरिया हम लोग क्या लेके चलते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ को ही लेके चलते हैं, या अल्टीमेट स्ट्रेंथ को, अगर डक्टाइल मटेरियल तो यील्ड स्ट्रेंथ को, और मेरे को शियर यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं डिजाइन करने पे। कैसे डिजाइन करोगे, पावर दिया है, स्पीड दिया है, पहले तो इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2πN/60, और एन कितना है, 1440 RPM/60, इतना रेडियन पर सेकेंड, और पावर और स्पीड पता है तो क्या निकल जाएगा, टॉर्क कितना आएगा, पावर इक्वल टू ओमेगा इंटू टॉर्क, कितना आ जाएगा, पावर कितना है, 10,000 W इक्वल टू ओमेगा 2πN/1440/60, ये रेडियन पर सेकेंड में इंटू टॉर्क, यहाँ टॉर्क एसआई यूनिट पे निकल जाएगा यानी न्यूटन मीटर में, क्योंकि अभी सब एसआई यूनिट पे लिया हूँ, कितना आएगा, 10,000 × 60/2/π/1440, 66.314559 न्यूटन मीटर, अच्छा ये आ रहा है ना, आगे बढ़ रहा हूँ भैया, जो भी सेशन हैंडल कर रहे हैं मेरा 5 से 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, 5 मिनट मान के चलो, तो जो भी नेक्स्ट अटेंड करने वाले हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट उनको आप लाइनअप कर लेना, ठीक है भैया, ठीक है, ये हो गया। तो 66.314559 न्यूटन मीटर, अच्छा स्ट्रेस निकालते समय ना मैं क्या यूनिट लेके चल रहा हूँ, फोर्स को न्यूटन में, डायमेंशन को एमएम में, तो टॉर्क अभी न्यूटन मीटर में आया है तो इसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो न्यूटन तो ऑलरेडी न्यूटन है, मीटर को एमएम में कन्वर्ट करना है तो इंटू 1000 करना पड़ेगा क्या, तो ये न्यूटन एमएम में कितना आ जाएगा, 66314.559 न्यूटन एमएम आ गया, और जैसे ही ये टॉर्क आ गया तो टॉर्क के कारण मेरा शाफ्ट में शियर स्ट्रेस आएगा, तो मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल लेता हूँ, और मेरे को शियर स्ट्रेंथ दिया है तो डिजाइन भी हो जाएगा, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ स्ट्रेस कितना आएगा, 16T/π/d³, सर्कुलर शाफ्ट में यही फॉर्मूला होता है ना, और अगर हम लोग को डिजाइन करना है, तो ये जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा है
वो मटेरियल के टेंसाइल स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए, सॉरी मटेरियल के शियर स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए, और मटेरियल का शियर स्ट्रेंथ को अभी मैं टाउ एफ से डिनोट किया हूं क्या, तो अगर मेरे को सेफ डिजाइन करना है तो एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मटेरियल के शियर स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। लेकिन हम लोग डिजाइन करते हैं तो कुछ ना कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे हैं तो शियर स्ट्रेंथ को रिप्लेस कर देते हैं शियर स्ट्रेंथ डिवाइड बाई FOS। तो डिजाइन करते समय ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को मैं इसके टाउ एफ अपॉन FOS के बराबर या उससे कम लेके चलूंगा, लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हो तो बराबर ले लो। तो ये पहले मैं ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन निकाल लेता हूं, और ये कितना आएगा 16T, और T कितना आया सर 66314.559 डिवाइड बाई पाई डी क्यूब, और ये ओवरऑल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, क्लियर पॉइंट, ये कम होना चाहिए किससे या बराबर शेयर स्ट्रेंथ अपॉन एफ ओ एस से। शेयर स्ट्रेंथ कितना दिया क्वेश्चन में 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर डिवाइड बाई एफ ओ एस कितना है 2। यहाँ एक ही अनोन है क्या, डायमीटर निकल जाएगा क्या, लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन ले लो, कितना आएगा 16T डिवाइड बाई पाई इंटू 2 डिवाइड बाई 250 उसका क्यूबिक रूट, मेरे ख्याल से 13.928 mm आ रहा है क्या, ये लिमिटिंग वैल्यू आई, तो एक्चुअल डायमीटर या तो इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए, तो लिमिटिंग वैल्यू पूछा है तो 13.928। हेलो अच्छा ये 150 मेगा पास्कल था क्या, ओके तो जो बच्चे क्वेश्चन भेजा था ना उसमें वो 250 दिख रहा था, अगर ये 150 था तो इसको चेंज कर देता हूं, पक्का क्या ये 150 मेगा पास्कल था क्या, यहां भी चेंज कर देता हूं, कंफर्म हो क्या शियर स्ट्रेंथ 150 मेगा पास्कल दिया था, एक बार कंफर्म करो, मैं 250 के हिसाब से अभी निकाला हूं, क्या शियर स्ट्रेंथ 150 था क्या, अगर प्रभाव टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ दिया होता तो थ्योरी ऑफ फेलवर बताता, जैसे अगर ट्रेस्का का थ्योरी ऑफ फेलवर बोलता तो हम लोग इसको 0.5 टेंसाइल स्ट्रेंथ लेते तब थ्योरी ऑफ फेलवर बताता 150। तो इधर ध्यान देना मैं 250 के हिसाब से सॉल्व किया हूं, अब इसको 150 कर लेना जिसका भी, मेरा 250 के हिसाब से 13.928 आंसर आया, बट एक्चुअल में शियर स्ट्रेंथ 150 मेगा पास्कल दिया था, जो बच्चा क्वेश्चन भेजा होगा उसमें वो 2 दिख रहा था, ठीक है तो 150 मेगा पास्कल कर दे रहा हूं इसको, तो शियर स्ट्रेंथ कितना 150, थोड़ा सा चेंज आएगा तो बस यहां वैल्यू चेंज हो जाएगा, शियर स्ट्रेंथ 150, तो डायमीटर कितना आएगा और थोड़ा ज्यादा ही आएगा, कितना आ जाएगा 16T66314.559 डिवाइड बाई पाई इंटू 2 डिवाइड बाई 150 क्यूबिक रूट, यह आएगा 16.513 mm, तो एक्चुअल डायमीटर या तो इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए, तो लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा 16.513, ठीक है वो मैं 250 ले लिया था शियर स्ट्रेंथ वो 150 है, ठीक है ये हो गया, चलो कोई बात नहीं, बाकी लिमिटिंग डायमीटर कितना आएगा 16.513 mm, वेरी गुड। कोई मेरे को पूछ रहा था अगर टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ दिया होता ना तो फिर मेरे को थ्योरी ऑफ फेलवर बताना पड़ेगा, ठीक है ट्रेस्का थ्योरी ऑफ फेलवर यूज करना है कि वन माइसेस यूज करना है कि रैंकाइन यूज करना है, क्लियर, और थ्योरी ऑफ फेलवर बताएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बट अगर मेरे को शियर यील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्ट दे दिया है तो हमेशा क्या करो ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालो और उसको शियर स्ट्रेंथ अपॉन एफओएस के बराबर लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय ले लो, और सेफ और सेफर साइड जाना तो उससे कम ले लो, तो अभी जब तक हम लोग को नहीं बोला तो लिमिटिंग वैल्यू ही निकालेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर ध्यान देना इफ जी डिनोट शियर मॉडुलस ऑफ द आइसोट्रॉपिक मटेरियल, शियर मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी दिया हुआ है शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इलास्टिक और आइसोट्रॉपिक मटेरियल का, ठीक है तो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस क्या होगा पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस, अच्छा मेरे को ई और जी के बीच रिलेशन पता है क्या, पहले तो तुम लोग बताओ इसका आंसर क्या रहा है, चार ऑप्शन दिया हुआ था ऑप्शन ए 2G, ऑप्शन बी 4G, ऑप्शन सी जी, ऑप्शन ये क्या बन गया जी 2G 3G 4G, 4G का जमाना है वैसे आंसर 4G नहीं है, क्या आ रहा था आंसर 3G, वेरी गुड, ठीक है क्या आ जाएगा ई इक्वल टू 2G इन ब्रैकेट 1+μ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फिक्स कर दिया कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी है तो ई का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछा है, अच्छा आइसोट्रॉपिक मटेरियल में जो म्यू की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 0.5 होता है क्या, ठीक है म्यू 0.5 से ज्यादा नहीं हो सकता, अच्छा इस रिलेशन को अगर ध्यान दोगे तो किसी फिक्स वैल्यू ऑफ जी के लिए म्यू ज्यादा होगा तो ई भी ज्यादा होगा क्या, जितना ज्यादा म्यू है उतना ज्यादा ई होगा, तो अगर मेरे को ई की मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो म्यू की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ले लो, और म्यू की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए कितना होता है 0.5
फाइव अगर वो लोगे तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई, ये एमपी मतलब मैक्सिमम पॉसिबल, मध्य प्रदेश नहीं है, क्या हो जाएगा 2g इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू विच इज 0.5, ये कितना आ रहा है 3g, क्लियर बट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3g, सिंपल था ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन थे, ये आ रहा है सबका आंसर। लास्ट क्वेश्चन के हम मूव कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन पे ना भैया, अगले सेशन के लिए आप लाइनअप कर लेना, लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ थिक सिलेंडर, थिक सिलेंडर, थिक प्रेशर वेसर का क्वेश्चन है, थिक सिलेंडर का, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैकेनिकल में ये गेट के सिलेबस में नहीं है बट पीआई ब्रांच में है, क्वेश्चन आसानी है। अ थिक सिलेंडर हैज इनर डायमीटर ऑफ 20 mm एंड आउटर डायमीटर ऑफ 40 mm, सपोज ये मेरा थिक सिलेंडर है, एक बार डायग्राम बना ले रहा हूं, ठीक है, इसका इनर डायमीटर मेरे को दिया हुआ है डी, तो इनर रेडियस, यहां रेडियस के टर्म में हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो इनर डायमीटर कितना है 20 mm, तो इनर रेडियस 10 mm हो जाएगा, हाँ सर। आउटर डायमीटर 40 mm है तो आउटर रेडियस उसका आधा यानी 20 mm हो जाएगा क्या, हाँ सर, ठीक है। इंटरनल प्रेशर से सब्जेक्टेड, यानी केवल यहां इंटरनल प्रेशर आ रहा है, सपोज इंटरनल प्रेशर को मैं पीआई बोलूं, प्रेशर तो हमेशा ऐसे ही लगेगा, हाँ सर, तो इंटरनल प्रेशर पीआई, पीआई की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 MPa, मैथमेटिक 100 MPa, सॉरी 100 MPa, मैथमेटिकली मेगा पास्कल और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर सेम यूनिट होता है, तो इसको मेगा पास्कल में लिखो या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, क्लियर पॉइंट। अच्छा केवल इंटरनल प्रेशर है, मतलब बाहर में कोई प्रेशर नहीं आ रहा, यानी बाहर यानी एक्सटर्नल प्रेशर को पी नॉट बोलू तो वो 0 N/mm² है क्या, केवल इंटरनल प्रेशर से सब्जेक्टेड है, तो इंटरनल प्रेशर है मतलब बाहर में प्रेशर नहीं, यही तो लेके चला है ना, तो एक्सटर्नल प्रेशर को पी नॉट बोलू तो कितना है 0 है। टेंसाइल स्ट्रेस को साइन कन्वेक्शन यूज करने बोला है तो, क्योंकि ये सम पूछा है ना, तो सम साइन कन्वेक्शन का यूज करने के बाद बोला है कि टेंसाइल स्ट्रेस को आपको पॉजिटिव ही लेना है और कंप्रेसिव स्ट्रेस को नेगेटिव लेना है, तब मेरे को पूछा है कि एट ए रेडियल डिस्टेंस 15 mm में रेडियल स्ट्रेस, रेडियल स्ट्रेस को अगर मैं सिग्मा आर बोलूं और हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस को अगर मैं सिग्मा एच बोलूं तो इनका समेशन कितना होगा। साइन कन्वेक्शन यूज करके अगर टेंसाइल है तो उसको पॉजिटिव लोगे, कंप्रेसिव है तो उसको नेगेटिव लोगे। अच्छा थिक प्रेशर वेसल बिना जो रेडियल स्ट्रेस और जो हुप स्ट्रेस है वो मेरा रेडियस के साथ वेरी करता है, और उसको निकालने का बस दो फॉर्मूला है, वो याद रखना तुम लोग का काम चल जाएगा, एक तो हुप स्ट्रेस निकालने का और एक रेडियल स्ट्रेस निकालने का, और ये लिखते समय टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव और कंप्रेसिव को नेगेटिव लेके ही चलना है, ठीक है। हुप स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाई आर स्क्वायर, यहां बस ध्यान रखना टेंसाइल को पॉजिटिव कंप्रेसिव को नेगेटिव, और रेडियल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी बाई आर स्क्वायर, क्लियर पॉइंट। ये हो गया ए प्लस बी स्क्वायर, और रेडियल स्ट्रेस को निकालने का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों ध्यान रखना। अच्छा एक चीज ध्यान देना, ये हो गया। अच्छा मेरे को पूछा क्या है, सिग्मा एच प्लस सिग्मा आर पूछा है क्या, हुप स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस का सम एट रेडियल डिस्टेंस 15 mm, पहले तो बट एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल लेता हूं सिग्मा एच प्लस सिग्मा आर का, अगर मैं सिग्मा एच प्लस सिग्मा आर करूं तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 को ऐड कर दो तो ए प्लस ए 2a हो जाएगा क्या। अच्छा बी बाई आर स्क्वायर प्लस साइन के साथ और बी बाई आर स्क्वायर माइनस साइन के साथ, तो ये दोनों निपट जाएगा क्या, तो क्या सिग्मा एच प्लस सिग्मा आर इक्वल टू 2a आएगा क्या। तो यहां से एक कंक्लूजन ये मैं निकालू क्या, किसी भी रेडियल डिस्टेंस में बात करूं, जैसे मेरे को एट आर इक्वल टू 15 mm पूछा है, बट यहां किसी भी आर पे पूछ ले सिग्मा एच प्लस सिग्मा आर कॉन्स्टेंट आ रहा है क्योंकि वो 2a के बराबर है। अगर मेरा ए और बी यहां कांस्टेंट है, अगर मैं कांस्टेंट ए की वैल्यू निकालू किसी तरीके से उसको डबल कर दूं तो ये सिग्मा एच प्लस सिग्मा आर है, और सिग्मा एच प्लस सिग्मा आर आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो वो इनर रेडियस पे पूछे, आउटर रेडियस पे पूछे, आर इक्वल टू 15 mm में पूछे, 16 mm में पूछे, हर रेडियल डिस्टेंस पे इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी और जो बराबर होगा किसके 2a के, तो यहां तो बस a की वैल्यू निकालना है उसको डबल कर दो, ठीक है। अब a कैसे निकालेंगे, तो a निकालने के लिए मेरे को कुछ बाउंड्री कंडीशन पता होना चाहिए, a और अभी तो केवल a का जरूरत है बट मेरे को a और b दोनों निकल जाएगा, और बाउंड्री कंडीशन ये है कि इनर लेयर पे और आउटर लेयर पे जो रेडियल स्ट्रेस है, जो रेडियल स्ट्रेस है उसका मैग्नीट्यूड प्रेशर के बराबर होगा, और उसका नेचर, प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है क्या, और उसका नेचर कंप्रेसिव होगा। नेचर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर मैं टेंसाइल को प्लस और कंप्रेसिव को माइनस लिया हूं। जैसे इधर ध्यान देना, अगर मैं बात करूं तो मेरे को इनर लेयर का प्रेशर पता है क्या 100 MPa, तो इनर लेयर का जो रेडियल स्ट्रेस होगा ना, अगर मैं उसको सिग्मा आर आई बोलूं तो सिग्मा आर आई का मैग्नीट्यूड 100 MPa होगा और नेचर कंप्रेसिव होगा क्योंकि प्रेशर कंप्रेसिव है, ठीक है, और कंप्रेसिव को मैं माइनस लिया हूं, तो इनर लेयर का मैं रेडियल स्ट्रेस बोलूं क्या -100 MPa होगा, ये मेरे को पता है, और इनर लेयर मतलब वहां पर आर की वैल्यू 100 mm है। अच्छा आउटर लेयर,
आउटर लेयर का प्रेशर जीरो है क्या? तो आउटर लेयर का रेडियल स्ट्रेस जीरो होगा, आउटर लेयर का रेडियल स्ट्रेस जीरो होगा, ठीक है। माइनस जीरो क्या लिखोगे? माइनस जीरो तो जीरो ही होगा ना, तो जीरो होगा। तो यहां पर मेरे को दो बाउंड्री कंडीशन क्या आता है, इनर लेयर का रेडियल स्ट्रेस, आउटर लेयर का रेडियल स्ट्रेस, और दो बाउंड्री कंडीशन पता है, दो कांस्टेंट ए और बी, उसकी वैल्यू निकल जाएगी, और ए और बी निकल गया तो अब ये कहीं के लिए भी सम पूछ ले या जो भी चीज पूछना है पूछ ले, निकल जाएगा। और ए और बी कैसे निकलेगा, तो मेरे को इनर लेयर का रेडियल स्ट्रेस पता है, और इनर रेडियल पे आर की वैल्यू आर आई के बराबर है जो 10 mm है, और वहां का रेडियल स्ट्रेस को अगर मैं सिग्मा आर आई बोलूं तो कितना है, -100। तो रेडियल स्ट्रेस के फॉर्मूले में सिग्मा आर की जगह -100 और आर की जगह 10 mm रख दो, तो एक इक्वेशन आएगा, और वो इक्वेशन क्या आएगा, -100 इक्वल टू ए माइनस बी बाई 10 स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 3 तक हो गया, इक्वेशन 4 बोल देता हूँ। सिमिलरली आउटर लेयर का भी रेडियल स्ट्रेस पता है, आउटर लेयर पे पहले तो रेडियस कितना आर नॉट के बराबर, विच इज 20 mm, और आउटर लेयर का रेडियल स्ट्रेस जीरो है क्या, तो रेडियल स्ट्रेस के फॉर्मूले में सिग्मा आर की जगह जीरो और आर की जगह 20 mm रख दूं, तो एक और इक्वेशन आ जाएगा, क्या क्या आएगा, सिग्मा आर की जगह जीरो इक्वल टू ए माइनस बी बाई आर स्क्वायर और आर की जगह 20 स्क्वायर। इसको एक बार के लिए इक्वेशन 5, दो इक्वेशन दो अननोन ए और बी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अगर मैं इक्वेशन 4 - 5 कर दूं तो ए कट जाएगा, बी की वैल्यू निकल गई, और बी निकल गया तो ए तो निकल ही जाएगा, कितना आएगा, जैसे सॉल्व करना वैसे कर लो, 4 - 5 करूं तो LHS में 4 में क्या आ रहा है, -100 माइनस ऑफ जीरो, और माइनस ऑफ जीरो तो जीरो ही होगा, इक्वल टू RHS में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बाई 10 स्क्वायर माइनस इतना, तो ए माइनस ए निपट जाएगा। अच्छा ये क्या है, माइनस बी बाई 10 स्क्वायर और ये माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, प्लस बी बाई 20 स्क्वायर। तो यहाँ एक अननोन किसकी वैल्यू निकल जाएगी, बी की, कितनी आएगी, -100 इक्वल टू माइनस बी कॉमन ले लो तो ये 1/10 स्क्वायर -1/20 स्क्वायर, माइनस माइनस निपट गया, 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, अभी सॉल्यूशन तो तुम लोग का काम है, बी इन टू कितना रहा इसका आंसर, कितना रहा इसका आंसर, 1/100 -1/2 = 400 या रहा है 3/400। यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, बी की, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 400 × 100/3, इट इज कमिंग 40000/3। और जैसे ही बी निकल गया, बी की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे 4 चाहे 5, ए निकल जाएगा क्या, मैं 5 में पुट कर देता हूँ, और 5 में पुट करूंगा तो ए इक्वल टू क्या आएगा, 0 = a - b, b कितना है, 40000/3 और डिवाइड बाई 20 स्क्वायर, तो यहां से क्या निकल जाएगा, a, a कितना रहा है, फोर्ट 100/3 आ रहा है क्या, ये आ गया। और जैसे ही आ गया, मेरे को सम ऑफ हुप स्ट्रेस प्लस रेडियल स्ट्रेस पूछा है, और वो कितना है, सिग्मा एच प्लस सिग्मा r, वो कितना है 2a, और ध्यान देना 2a और 2a और एट रेडियल डिस्टेंस 15 mm पूछा है, बट यहाँ r इक्वल टू 15 पुट करो या कुछ भी पुट करो तो कांस्टेंट के बराबर आया, तो हर रेडियल डिस्टेंस में ये इतना ही आएगा, और कितना आएगा 2a, और a कितना है 100/3, तो ये कितना आ जाएगा इंटू 2, ये कितना आ रहा है 66.667। अच्छा ध्यान देना, मैं स्ट्रेस को हमेशा मेगा पास्कल या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लिया हूं, तो यहां भी ये इसी यूनिट पे आएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और यही मैथमेटिकली क्या होगा, मेगा पास्कल। तो कितना आ रहा है 66.667 मेगा पास्कल या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, एट ए रेडियल, और ये मेगा पास्कल में ही पूछा है, कितना आंसर हो गया 66.667 आ रहा है क्या सबका आंसर। मेरा सेशन कंप्लीट होने वाला है, अविनाश भैया या जो भी अटेंड कर रहा है नेक्स्ट फैकल्टी को हैंड ओवर कर दो, जैसी हो जाएगा मेरे को एक बार लाइव चैट में बताना ना, मेरे को जब बंद करना हो। सबको क्लियर है क्या, एक बार मैं एंड भैया को कॉल लगा रहा हूं, वो करेंगे। बंसल सर का नाम लेकर जाओगे, अरे भाई गेट में अच्छा करोगे, बस फ्री माइंड से जाना, रिलैक्स होकर जाना, क्यूइंग वाले में सर्विस गेट में मुदेसर गेट में वो करने का ऑप्शन है, क्या बोलते हैं क्लेम करने का, तो उसका चिंता मत करो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया है जिसमें इनकम्प्लीट डाटा था या इस तरीके का था तो सबको मार्क मिलेगा, क्लेम करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है क्या, हेलो हाँ भैया मेरा हो गया है सेशन, ठीक है सर, आप स्टॉप कर लीजिए वहां से, कर लो ना, हाँ
और बात कर लियो ना भैया से। ठीक है ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा ना, अब पाल सर आएंगे, आदित्य पाल सर आएंगे तुम लोग को अटेंड करने, मैं स्टॉप कर रहा हूं, आदित्य पाल सर आएंगे, बी रेडी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोगों का गेट का पेपर आज का काफ़ी ज़बरदस्त गया होगा। क्वेश्चन ऑल दो प्रोडक्शन के काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे भी थे और मैंने देखा कुछ क्वेश्चन को लेके बच्चे परेशान भी थे। तो जिस क्वेश्चन को लेके आप परेशान थे या परेशानी फेस कर रहे थे, तो मैं वहीं से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का क्वेश्चन आया था, देखा था क्या सभी ने? एक इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का क्वेश्चन आया था, क्या आप सभी लोगों ने देखा था क्या? जल्दी से बता दो बेटा। अच्छा, मेरी वॉल्यूम क्लियर है? ऑडियो तो क्लियर हो गई ही, वॉल्यूम क्लियर आ रहा है क्या? यस और नो, जल्दी से मुझे बता दो, वॉल्यूम क्लियर आ रहा है एकदम? वॉल्यूम क्लियर है ना? एक क्वेश्चन आपका आया था इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखा था क्या? चलिए मैं सबसे पहले उस टफेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, है ना भाई। सेशन में इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करने का क्या मजा। चलो आज हम ऐसा करते हैं, हम टफेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टफेस्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल का, मतलब टफेस्ट नहीं है, वो लोगों को लगा टफेस्ट, ठीक है, वो लोगों को टफेस्ट लगा, अपने को नहीं लगा, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ना वो बहुत बेसिक सा लग रहा है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। हाँ, कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रोड गैप कैन बी अलाउड आईआईटी केजीपी में प्रोडक्शन में फाड़ू ही लाइक हाँ। अब देखो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि और भी क्वेश्चन आपके डिस्कस होने हैं, ठीक है। देखो भाई, एक क्वेश्चन आया था फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस, क्वेश्चन एक आया था फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल, जस्ट अ मिनट, हाँ, फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, ठीक है। बस इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखिए सर, क्वेश्चन बोलता है फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस, फॉर एन ECM, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है ना। एक इक्वेशन दी हुई है और वो इक्वेशन क्या दी हुई है, वो दी हुई है डी वाई बाय डी टी, डी वाई बाय डी टी इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय वाई, लैम्डा डिवाइड बाय वाई माइनस एफ, माइनस एफ, ये एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, ये एक इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें यहां पर क्या क्या है, ये यहां पर जो y है वो इंटर इलेक्ट्रोड गैप है, मैं लिख देता हूं वेयर, वेयर जो y है वो इंटर इलेक्ट्रोड गैप है, इंटर इलेक्ट्रोड, ठीक है, गैप है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं लिख रहा हूं। t क्या है यहां पर, t यहां पर आपका ऑब्वियस है कि टाइम है ना, फिर उसके बाद आपका यहां लैम्डा की कुछ वैल्यू देगा और f की कुछ वैल्यू देगा। t यहां पर
टी क्या है यहां पर, यहां पर टी वेयर वाई इज द इंटर इलेक्ट्रोड गैप इन एमएम, इन एमएम, ठीक है, एमएम के अंदर है, और यहां पर टी आपका टाइम है, ठीक है, टी आपका यहां पर टाइम है, बट ये मिनट के अंदर है, मैं शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि यहां पे ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। फिर उसके बाद यहां पे स्मॉल एफ जो आप देख रहे हो ये फीड है इलेक्ट्रोड की, ठीक है ना, फीड, और इसका जो यूनिट हमको निकालना है वो एमएम पर मिनट के अंदर निकालना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और यहां पे जो लैम्डा है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द वैल्यू ऑफ लैम्डा यहां पे है 6 × 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, फॉर मेंटेनिंग अ कांस्टेंट, ओके, फॉर मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटर इलेक्ट्रोड गैप व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फीड, फॉर मेंटेनिंग द कांस्टेंट, द कांस्टेंट इंटर इलेक्ट्रोड गैप, कांस्टेंट इंटर इलेक्ट्रोड गैप, कांस्टेंट इंटर इलेक्ट्रोड गैप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फीड, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फीड इन एमएम पर मिनट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फीड इन एमएम पर मिनट, बताइए। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, इंटीग्रेट करना होगा क्या? अरे सर थोड़ा फास्ट पहले बताओ, क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? देखो बेटा यहां पर कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, अब यहां पे कॉन्सेप्ट समझ लेना, आप कॉन्सेप्ट यहां पे समझ लीजिएगा। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन यहां पर ये है, स्टडी स्टेट, देखो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में गैप आपका क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब जो आपका वाई है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। डीवाई बाई डी टी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो, फॉर अ स्टडी स्टेट कंडीशन द गैप इज यूनिफॉर्म, द स्टडी स्टेट कंडीशन, और फॉर अ स्टडी स्टेट कंडीशन, फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन, फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए द गैप इज यूनिफॉर्म ना, द गैप इज व्हाट? द गैप इज यूनिफॉर्म, द गैप इज यूनिफॉर्म, द गैप इज यूनिफॉर्म। गैप क्या होना चाहिए बेटा? यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो dy by dt होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। बताओ यस और नो? भाई गैप टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, गैप टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। तो इस केस में आपका हो गया लैम्डा बाय वाई। अच्छा यहां पर आपको ना एक लैम्डा की वैल्यू भी, लैम्डा और वाई, वाई की भी एक वैल्यू दे रखी है, यहां पर वाई की भी आपको क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू दे रखी है। हाँ यहां पर y की भी आपको एक वैल्यू दे रखी है, और वो y की वैल्यू मैं एक बार देख लूं, 0.1 mm। देखो जो डाटा मेमोरी बेस हमारे पास है उसी के हिसाब से हम यहां कर रहे हैं, तो लैम्डा बाय y माइनस फीड इक्वल टू व्हाट? जीरो। तो यहां से आपका फीड क्या आ गया? लैम्डा बाय y आ गया। खत्म, खत्म। समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? अब यहां पे जो लैम्डा होगा, भाई लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है, ये रही लैम्डा की वैल्यू, 6 × 10⁻³, पर ये सेंटीमीटर के अंदर है, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है, आपको एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100 ये हो गया आपका एमएम स्क्वायर पर मिनट, ठीक है, पर मिनट, डिवाइड बाय वाई है 0.1, वाई कितना है? 0.1। तो कितना आ जाएगा ये आपका, कितना आ जाएगा ये आपका, जल्दी से मुझे बता दो, बताइए कितना आ जाएगा आपका? 6, कितना आ जाएगा? 6 mm पर मिनट। जी हाँ ये आ जाएगा 6 mm पर मिनट। बताओ ये क्वेश्चन टफ था क्या? बस लॉजिक था, यहां पर लॉजिक था, अगर आपका यहां पर लॉजिक क्लियर है तो क्वेश्चन यहां टफ नहीं था, पर वाकई में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन
आईआईटी ने ये दिया था, तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, प्रोडक्शन का ही सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आईआईटी की तरफ से था, ठीक है, समझ में आ गया, चलें आगे। चलिए अब मैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, है ना, अब मैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हाँ, एक क्वेश्चन आपका यहां पे दिया हुआ है, देखो एक क्वेश्चन एक और आया हुआ था आपका यहां पर, और ये एनसीसीएनसी का क्वेश्चन था, ये आपका एनसीसीएनसी का क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपका एनसीसीएनसी का क्वेश्चन था, और ये क्या क्वेश्चन था, अ वर्क टेबल ऑफ ओपन लूप पोजीशनिंग सिस्टम इज ड्रिवन बाय लीड स्क्रू विद अ पिच ऑफ 4 mm, द वर्क टेबल ऑफ एन ओपन लूप पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है ना, पोजीशनिंग सिस्टम इज ड्रिवन बाय अ लीड स्क्रू विद अ पिच ऑफ 4 mm. The lead screw is connected to the shaft of ठीक है, of a shaft of a stepper motor, connected to a shaft of a stepper motor, ठीक है बेटा, stepper motor, शाफ्ट meshes with, अब शाफ्ट के बारे में बता रहा है कि वो शाफ्ट क्या क्या कर रही है, शाफ्ट meshes with, किसके साथ मैश कर रही है, with a gear of 20 teeth, with a gear of 20 teeth, ठीक है, 20 teeth, क्या क्या लिखा हुआ है आगे भाई, mounted on the lead screw. Mounted on the lead screw. के ऊपर mounted है यहां पर, ठीक है. The step angle of the motor is 9 degree, ठीक है, the number of pulse required किसके लिए भाई, the number of pulse required To move the table by 200 mm is. बताओ क्वेश्चन आसान है, शायद मुझे याद जितना आ रहा है, बताओ क्वेश्चन आसान है. Yes, 200 पल्स, 800 पल्स आया था इसका आंसर सीएनसी वाले का, ये मैं था. यस, देखो सीधी सी बात है, यहां पर सीधी सी बात है आपका बेटा, आपको यहां पे जो बोला गया है, ये फालतू के बीच में कहानी दी हुई है कि उसमें 20 टीथ माउंटेड थे, ये थे वो थे, यहां देखो द स्टेप एंगल
कितना है 9 डिग्री। तो अगर आप यहां पे देखोगे है ना सॉल्यूशन में देखो स्टेप एंगल 99 डिग्री, मतलब एक पल्स अगर आप देते हो तो 9 डिग्री का क्या होगा, 9 डिग्री का शाफ्ट का यहां पर रोटेशन होगा। बताओ यस और नो, ठीक है। या आप ये भी कह सकते थे कि भाई 9 डिग्री का शाफ्ट का रोटेशन तब होगा जब उसको कितनी पल्स मिलेगी, एक पल्स मिलेगी। बोलो यस और नो। अब अगर शाफ्ट को 360 डिग्री घुमाना है, अगर शाफ्ट को 360 डिग्री घुमाना है तो भाई कितनी पल्स लगेगी, तुम्हें बताओ। अगर शाफ्ट को 360 डिग्री घुमाना है तो कितनी पल्स लगेगी बताओ, है जल्दी बताओ भाई, 40 पल्स लगेगी कि नहीं लगेगी। यहां पर 40 पल्स लगेगी, ठीक है ना, 40 पल्स लगेगी। और ये किसके लिए लग रहा है, वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन होगा, 360 डिग्री रोटेट होगी, 40 पल्स लगेगी, तब जाके आपका 4 mm का लीनियर मोशन होगा, तब जाके आपका यहां पर क्या होगा, 4 mm का लीनियर मोशन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो तुम ये भी तो कह सकते हो मेरे भाई, तुम यहां पर ये भी तो आप कह सकते हो कि 4 mm के लीनियर मोशन के लिए 40 पल्स लगती है, तो 200 mm के लीनियर मोशन के लिए कितनी पल्स लगेगी, सिंपल यस और नो। यहां पर इसका आंसर आ गया कितना, इसका आंसर कितना आ गया, 200 पल्स। बताओ भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यस और नो, समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या, यस ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, अब अपन और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक क्वेश्चन आया था FCC स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन आया था FCC स्ट्रक्चर, आपको FCC स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना था ऑप्शन में से, FCC स्ट्रक्चर। तो FCC स्ट्रक्चर कौन कौन से होंगे, ऑप्शन यहां पे दे रखा था, मैं लिख देता हूं, क्रोमियम, क्रोमियम, बी आपका था यहां पर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सी यहां पर था मैग्नीशियम, सी यहां पर था आपका मैग्नीशियम, और अल्फा आयरन, अल्फा आयरन तो BCC होता है, अल्फा आयरन तो हो ही नहीं सकता है ना, अल्फा आयरन ये तो हो ही नहीं सकता, आयरन कार्बन डायग्राम में हमने देखा था, ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम के अंदर अपने देखा था, तो ये तो हो नहीं सकता, FCC स्ट्रक्चर, क्रोम भी नहीं हो सकता, क्रोम भी नहीं हो सकता, आपका जो इसका आंसर है वो क्या है, एल्युमिनियम है, गुड। इसके बाद एक और क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसके बाद यहां पर एक और क्वेश्चन था, एक डायग्राम बनाया हुआ था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, तो मैं वो डायग्राम बना देता हूं। इस तरीके से यहां पर ना दो बॉल्स रखी हुई थी, एक छोटी बॉल और एक ऐसे एक बड़ी बॉल, ठीक है, एक छोटी बॉल रखी हुई थी और एक बड़ी बॉल रखी हुई थी। लैंग्वेज लिखने की तो आई होप जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना, लैंग्वेज इसकी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटी बॉल थी और यहां पर एक इस तरीके से एक बड़ी बॉल थी, ठीक है, और यहां पर जो इसका डेप्थ दे रखा है, ये जो इसका यहां पर ये जो डेप्थ दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से कंटेनर के अंदर क्या रखी हुई है, एक छोटी बॉल रखी हुई है और एक बड़ी बॉल रखी हुई है। अगर मैं यहां पे इनके डायमीटर के बारे में बताऊं आपको, ठीक है ना, अगर मैं इनके यहां पे डायमीटर के बारे में बताऊं तो इसका जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में देखूं, और इसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, और जो जिस सिलेंडर में ये कैविटी में रखा हुआ है उसका डेप्थ है 6 सेंटीमीटर, उसका डेप्थ कितना है 6 सेंटीमीटर है। आपको क्या बताना है, आपको इसका यहां पर डाया बताना है, ठीक है, आपको इसका यहां पर डाया बताना है। बताओ भाई क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, मान लीजिए ये इसका सेंटर है, मान लीजिए ये इसका सेंटर है, यस और नो, है ना, ये इसका सेंटर है, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये भी इसका जो रेडियस है ये कितना है 3, और ये कितना है इसका जो टच कर रहा है ये 4, ठीक है,
यहां पर मैं भाई ज्योमेट्री अगर देखूं, ये देखो भाई ज्योमेट्री अगर मैं यहां पे देखूं, ज्योमेट्री से एक बार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ज्योमेट्री से ही होता है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, ये वाला जो रेडियस, ये रेडियस हो गया 1.5, ये 1.5, और यहां पर ये जो हो गया ये कितना हो गया 2। अगर आपको किसी तरह ये मिल जाए तो हो गया आपका काम, अगर आपको किसी तरह ये मिल जाए तो हो गया आपका काम, बताओ यस और नो। अगर किसी तरह आपको ये मिल जाए तो यहां पर आपका काम हो गया या नहीं हो गया, मुझे बता दीजिए। तो अगर मैं देखूं तो मेरे को ये चाहिए किसी तरीके से, मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए। इस डायमेंशन में मैं ये 2 और 1.5 ऐड करूंगा तो मुझे इस कैविटी का डाया मिल जाएगा क्या, बताओ क्या मुझे इस कैविटी का डाया मिल जाएगा क्या। तो ध्यान से आप देखिए, यहां पर ध्यान से आप देखिए, यहां पर एक तरीके से इसको ध्यान से देखिएगा, ये पूरा केस कुछ ऐसा नहीं लग रहा है आपको, ये पूरा केस कुछ ऐसा नहीं लग रहा है ये। तो ये कितना हो गया है, ये 1.5 और ये 2, ठीक है ना, ये 1.5 और ये यहां पे कितना हो गया है 2, तो 1.5 2, तो ये हो गया कितना 3.5, ये कितना हो गया है आपका, ये यहां पर आपका 2 हो गया है, आपको निकालना है ये, बताइए यस और नो, यस और नो, ज्योमेट्री से हुआ कि नहीं हुआ ये। तो ये हो गया है 3.5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, रूट ऑफ आंसर 2, आंसर प्लस 2, आंसर प्लस 1.5, ओ माय गॉड, हाँ 3.5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, आंसर प्लस 2 प्लस 1.5, ये आ गया 6.37 आ रहा है, बताइए समझ में आया, समझ में आया 6.37, ठीक है। अगर आप देखोगे, आप देखो ना यार, यहां से पूरा ज्योमेट्री से अपन ने यहां पे इसको किया है, पूरा ज्योमेट्री से अपन ने इसको किया है, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर आ रहा है 6.37 सेंटीमीटर, क्लियर है, चलेगा, हाँ चलिए अब आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर प्रॉब्लम आंसर मेरे पास बेटा क्वेश्चन होगा नहीं, होगा तो प्लीज आप मुझे सेंड करो हमारे पास, ताकि हम उसको यहां पर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है, ठीक है ना, क्वेश्चन को आप मुझे यहां पे सेंड कर दो, मैं उसको सॉल्व जरूर करूंगा, है ना, क्लियर है। डाटा में देखो प्रॉब्लम हो सकता है, डाटा में इश्यू हो सकता है, यहां पर इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, तो मैंने इसका रेडियस ले लिया, ये 2 है, तो 3.5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, बताओ अपूर्वा, अपूर्वा यहां पे 2.5 कैसे होगा बेटा, आप खुद बताओ ना, ये डायमीटर 4 है तो ये कितना हो गया 2, है ना, ये कितना हो गया 3.5, 2.5 कैसे हुआ, डायमीटर 4 mm सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर, वो 2 नहीं होगा, 6 to 1.5 होगा, टोटल 6 सर, 2 लिया है, वो रेडियस कैसे होगा, मैंने यहां पे, अरे ये तो रेडियस होगा ना, यहां तो जब आप इसे लोगे तो ये तो रेडियस ही होगा ना, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा अब एक और क्वेश्चन है आपका यहां पर, और ये क्वेश्चन है आपके वेल्डिंग का, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपके वेल्डिंग का, चलो तो यहां पर वेल्डिंग का क्वेश्चन एक देख लेते हैं फटाक से, हाँ वेल्डिंग का एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो देख लो आप, वेल्डिंग का एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो देख लीजिए आप, क्या क्वेश्चन है यहां पर वेल्डिंग का, वेल्डिंग, हाँ हाँ देखिए, एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, कास्टिंग, कास्टिंग और उसके बाद प्रोडक्ट है शायद, कास्टिंग और उसके साथ दे रखा है प्रोडक्ट, है ना, कास्टिंग मेथड और इसके साथ दे रखा है आपको क्या, प्रोडक्ट, क्लियर, ठीक है, कास्टिंग मेथड और प्रोडक्ट। अब कास्टिंग मेथड में क्या है, P, Q और आपका यहां पे R,
अब यहां पे देखो पी क्यू है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग ठीक है। आर है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग ठीक है, आर है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है शायद कन्वेंशनल कास्टिंग होगा कुछ, मुझे क्लियर नहीं है, राइटिंग थोड़ी साफ नहीं है तो मुझे यहां पे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, पर कोई बात नहीं, इसकी शायद हमें जरूरत ना पड़े। वन टू और थ्री, थिन एंड इंट्रिकेट शेप्स, थिन एंड इंट्रिकेट शेप, इंट्रिकेट शेप। अब जल्दी से बताओ थिन और इंट्रिकेट शेप्स कहां पे बनते हैं, थिन इंट्रिकेट शेप्स कहां पे बनते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है हॉलो, हॉलो एक्सी सिमेट्रिकल, एक्सी सिमेट्रिकल पार्ट। और तीसरा है आपका स्लैब है और स्ट्रिप है, शायद ये शायद स्लैब है एंड स्ट्रिप ठीक है। बताओ अब यहां पर साफ है सेंट्रीफ्यूगल है क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये तो सेंट्रीफ्यूगल है। अब खुद बताओ सेंट्रीफ्यूगल से ही बनता है आपका हॉलो और एक्सिसिमेट्रिकल पार्ट, यस और नो? हाँ बिल्कुल सही। तो आर का तो टू होगा ही होगा। इन्वेस्टमेंट में हम क्या बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के अंदर हम थिन कंपोनेंट्स बनाते हैं, याद है आपको, इन्वेस्टमेंट के अंदर हम थिन कंपोनेंट बनाते हैं। तो क्यू वन, तो देखो क्यू का यहां पे अगर मैं बात करूं पी क्यू और आर, तो क्यू का यहां पर वन होना चाहिए, क्यू का वन होगा और आर का क्या होगा टू होगा, बचा आपका पी, तो पी का क्या हो जाएगा आपका थ्री हो जाएगा ठीक है। ऑप्शन नहीं थे तो मैंने यहां पर आपको क्या दे दिया है, मैंने आपको यहां पे पेयर दे दिया है ठीक है ना, मैंने आपको यहां पे क्या दे दिया है, एक पेयर दे दिया है। और देखते हैं यहां पर, और देखते हैं यहां पर एक वेल्डिंग का क्वेश्चन, वेल्डिंग का क्वेश्चन भी था, कहां गया, हाँ। देखो डाटा गलत हो सकता है ठीक है, पर मेथड आपका वही रहेगा है ना, क्योंकि सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ एक आपका गैस वेल्डिंग का क्वेश्चन आया था ठीक है, एक आपका गैस वेल्डिंग का क्वेश्चन था, और क्या क्वेश्चन था देख लो, क्या क्वेश्चन था यहां पर इसको देख लो, क्लियर। यहां पर है इन अ गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, क्वेश्चन है आपका इन अ गैस टंगस्टन, इन अ गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, आर्क वेल्डिंग प्रोसेस ठीक है, अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन, अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन, अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन, अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, या यहां पे शायद दिया हुआ है द वोल्टेज, द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट आर, करंट आर क्या दिया हुआ है आपको, करंट आर मेजर्ड, करंट आर मेजर्ड यह आपको दिया हुआ है बेटा 18 वोल्ट, 18 वोल्ट एंड 160 एम्पियर, 160 एम्पियर ठीक है, 160 एम्पियर। उसके बाद इसने बोला है यहां पर हीट लॉस ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ, हीट लॉस, हीट लॉस यहां पे हीट का लॉस भी हो रहा है, हीट लॉस ड्यूरिंग, ड्यूरिंग हीट लॉस ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ, क्रिएशन ऑफ आर्क इज 40%, इज 40% ऑफ द इनपुट प्रोसेस, ऑफ द इनपुट प्रोसेस,
इनपुट प्रोसेस, तो बचा कितना, बचा कितना उसका 60% ही जा रहा है, ठीक है। साथ में हीट लॉसेस, हीट लॉसेस थ्रू, हीट लॉसेस थ्रू, आपकी जो हीट लॉस हो रही है ना, आपकी यहां पर जो हीट लॉस हो रही है थ्रू कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, थ्रू कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, एंड रेडिएशन फ्रॉम द वर्क पीस इज, फ्रॉम द वर्क पीस इज कितना होगा, 800 वॉट, 800 वॉट, ठीक है। तो इफेक्टिव पावर यूटिलाइजेशन, आपको यहां पे मेल्टिंग एफिशिएंसी निकालनी है, आपको यहां पे क्या निकालना है, मेल्टिंग एफिशिएंसी निकालना है। बताओ रेडिएशन में ऑलमोस्ट जीरो होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, आई मीन इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए हैं, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए हैं। बस यहां पे हीट लॉसेस थ्रो कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, भाई टोटल हीट जा रही है आपकी 800 वॉट जा रही है, आप कैसे कैसे भी जाए पर जा रही है, ठीक है। बताओ नहीं पावर इसमें जो पूछा है मैं आपको बता देता हूं, द इफेक्टिव पावर यूटिलाइजेशन टू मेल्ट द वर्क पीस, यस आप सही कह रहे हो, द इफेक्टिव पावर, द इफेक्टिव पावर, द इफेक्टिव पावर, द इफेक्टिव पावर इन वॉट, इन वॉट, ओके, यूटिलाइज टू मेल्ट द वर्क पीस, यूटिलाइज टू मेल्ट द वर्क पीस, टू मेल्ट द वर्क पीस, ठीक है। चलो बेटा आ जाओ यहां पे, आ जाओ आ जाओ, तो क्या होगा यहां पर जल्दी से बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ 928 वॉट, हाँ सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल, मतलब मेरे को तो यहां क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं बच्ची, एकदम सही, बिल्कुल सही। यहां पर जो आप पावर दे रहे थे वो आप दे रहे थे 18 × 160 वॉट, 40% लॉस हो गया, इफेक्टिव पावर जो जाएगा, इफेक्टिव, इफेक्टिव पावर जो आपका जाएगा वो कितना जाएगा, 0.6 × 18 × 160 - जो लॉस हुआ दैट इज 800, तो कितना आ गया 928 वॉट आ गया। खत्म, खत्म ना, समझ में आ गया, यस बहुत बढ़िया। और कौन कौन से क्वेश्चन है जरा देख लेते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और था, ये क्वेश्चन ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है प्रोडक्शन का, एक क्वेश्चन और था दोस्त, मैं देख रहा हूं वो कहां पर है, एक क्वेश्चन और था, अ सिंगल पॉइंट क्रैंक, या सर ने करा दिया आपको, ये भी सर ने करा दिया, और सिलेंड्रिकल डिफरेंट ये भी सर ने आपको करा दिया है, ये भी करा दिया है, ये मैंने करा दिया है, और वर्क टेबल ये भी अभी मैंने करा ही दिया है आपको, इंटरवल अ कंबाइंड ईडीएम, हाँ एक क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन और है प्रोडक्शन का, अभी मैं सिर्फ प्रोडक्शन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं प्रोडक्शन के क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर बाद में हम इंडस्ट्रियल भी डील करेंगे, ठीक है। इन ईडीएम प्रोसेस द डिस्चार्ज वोल्टेज,
यहां ध्यान से देखना, इन ईडीएम प्रोसेस, इन ईडीएम प्रोसेस द डिस्चार्ज, द डिस्चार्ज वोल्टेज, द डिस्चार्ज वोल्टेज इज व्हाट इज वीबी, ये डिस्चार्ज वोल्टेज है, ठीक है ना, ये डिस्चार्ज वोल्टेज है. सो एनर्जी डिसिपेटेड, ओके, डिस्चार्ज वोल्टेज, द एनर्जी डिसिपेटेड, द एनर्जी डिसिपेटेड पर स्पार्क across the gap is proportional to, बताओ किसके प्रोपोर्शनल होगा, बताओ किसके प्रोपोर्शनल होगा, यहां पर ए वी बी, बी वी बी इंटू 0.5, सी वी बी स्क्वायर, और डी आपका यहां पे वी बी क्यू. आपको पता है जो स्पार्क की एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ सी वी बी स्क्वायर जूल पर साइकिल. तो यहां पे ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी हो गया. ऑप्शन क्या हो गया यहां पर आपका, सी हो गया, बराबर. और यहां पे क्या है जरा देख लेते हैं प्रोडक्शन का. हाँ, एक कोड वाला क्वेश्चन आया था आपके, एक यहां पर आपके कोड वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, यहां देख लो, एक कोड वाला क्वेश्चन आया था, यहां पे कोड और उसके फंक्शन है, कोड और फंक्शन है, ठीक है ना. कोड क्या है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और यहां पे इसके फंक्शन है, और आपको यहां पे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन करना था. क्या है, जी जीरो वन इंक्रीमेंटल होता है ना, एम जीरो टू प्रोग्राम स्टॉप होता है, जी थर्टी टू नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, एम जीरो फाइव, ठीक है. अब यहां पे स्पिंडल को स्टॉप करना होता है वैसे तो यहां पे वन है आपका एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है. दो है आप, सेकंड है आपका प्रोग्रामिंग इन इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट, सेकंड है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट, थर्ड है आपका यहां पर स्पिंडल को स्टॉप कर देना, और फोर्थ है आपका थ्रेड कटिंग इन टर्निंग, ठीक है. अब यहां पे मैच द फॉलोइंग में मैं हमेशा आपको यह समझाता हूं कि बेटा आप पहले वो ऑप्शन पकड़ो जो आपको अच्छे से आते हैं. तो आप ध्यान से देखो, यहां पे G01 इंक्रीमेंटल होगा तो इसका तो 2 हो जाएगा, M02 होता है एंड ऑफ द प्रोग्राम, इसका 1 हो जाएगा, M03 होता है स्पिंडल को स्टॉप करना, इसका 3 हो गया. अब बचा ये, तो P2Q1R4S3 इसका ऑप्शन हो जाएगा. समझ में आ गया, क्लियर है. और देखते हैं आपका यहां पे और कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं तो मैं सेशन को यहां पे ट्रांसफर करता हूं, ठीक है. मेमोरी बेस और कोई क्वेश्चन यहां पे होगा तो हम उसे करेंगे, नहीं तो फिर मैं सेशन को यहां पे ट्रांसफर करूंगा. ओके, तो मेरे पास अभी मेमोरी बेस इतने ही क्वेश्चन है, फिर बाकी हम देखते हैं, और अगर और क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई. चलिए, तो यहां पर एक क्वेश्चन और था यहां पर, चलिए वो अभी मुझे मिल नहीं रहा. एक क्वेश्चन और था यहां पर जो भी मुझे मिल नहीं रहा, बहुत इजी क्वेश्चन था, टूल लाइफ का आया हुआ था, ठीक है. तो अभी मैं इस सेशन को ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है.
जैसे ही वो क्वेश्चन मुझे मिलता है तो दोबारा मैं आता हूँ और दोबारा आप लोगों से मैं उसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। हाँ G01 लीनियर इंटरपोलेशन, एक मिनट, G01 इंक्रीमेंटल, या तो मैंने, हाँ अविनाश मैं 2 मिनट में यहाँ सेशन को करूँगा, हाँ तो एक बार ध्यान रखना, ठीक। हाँ वो आप सही कह रहे हो, इंक्रीमेंटल मैंने गलत लिख दिया, मैं एक बार देख लेता हूँ कि अगले ने लिखा क्या है। यस इंक्रीमेंटल, तो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट, हाँ तो G01 का 2 ही तो है। अच्छा नहीं, प्रोग्रामिंग इन इंक्रीमेंटल, ओ सॉरी यहां पर ये G91 है बेटा, सॉरी सॉरी G91 है, ये G91 है, G91 है भाई, G91 है, मेरे दिमाग में वो था एक्चुअली, राइटिंग इतना थोड़ा सा कंजस्टेड है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो G91 होगा इधर, G91 इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट, क्लियर। हाँ तो चलिए मैं सेशन को भी ट्रांसफर करता हूँ, अगली बार वापस मैं आऊँगा और वापस कुछ और क्वेश्चन जब मुझे मिलेंगे वो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्लियर है। आ गया ना, हेलो एवरीवन, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी सभी लोग देख सुन पा रहे हैं, ऑडिबल विजिबल क्लियरली, हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी लोग। सो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन के साथ बैक, बैक क्या, पहली बारी। सो एक ही क्वेश्चन आया था थर्मोडायनेमिक्स का भाई, पीआई में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। गुड इवनिंग, सलाम दुआ नमस्ते। तो एक ही क्वेश्चन आया था भाई थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, वो एक क्वेश्चन लेके आया हूं और उस क्वेश्चन को देख के लिटरली आप लोगों को हंसी आने वाली है, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है ये मैं क्या कहूं, आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, मतलब वैसे है मेमोरी बेस्ड सवाल ना, इसको एक बार पढ़ो और फिर आप खुद बोलो, मन ही मन मुस्कुराओगे, मेरा ये पूरा मतलब यकीन है। एक बार पढ़ो जरा, एयर एट एन इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस साहब एंड 1 bar यानी टेम्परेचर प्रेशर इज हीटेड इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, किसमें हीट की गई है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान, द फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर आर 303 एंड 2 bar ठीक है रेस्पेक्टिवली, द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द प्रोसेस विल बी, भैया सुनो बात है ऐसी, सबसे पहले तो लिख लो यहां पे डेटा की गिवन क्या है, और इसने क्या आपको घबराने की कोशिश की है कि आप थोड़े से घबरा जाएं, लेकिन आप नहीं घबराएंगे क्योंकि आपने क्रैश कोर्स कर रखा है। क्रैश कोर्स क्या, वो फुली कोर्स था। T1 कितना है भैया, 288 केल्विन, सीधे चाप दो यहां पे किसमें, केल्विन में। P1 कितना है लाला, P1 है 1 bar। अब हियां से कहां पहुंचा, T2 पे। T2 कितना है भैया, T2 है 303 प्लस 273 जोड़ोगे कितना आ जाएगा लाला, 576 केल्विन। ओए होए, P2 कितना आ जाएगा भैया, 2 bar। अब एक बात बताओ, सर ने आपको बताया है कुछ, बताया है सर ने, कौन से, अबे हम अपनी बात कर रहे हैं, क्या बताया हमने कि भैया पूछा क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी निकालने के लिए क्या दो इक्वेशन बताई थी, बोला था याद कर लो गंगा नहा जाओगे, कौन सी इक्वेशन थी, TdS इक्वेशन। अरे ससुर दो इक्वेशन बताई थी ना, TdS बराबर DH माइनस VdP बताए थे, एक बताए थे कौन सी, DU प्लस PdV। अब देख लो जॉन सा भी आपका रिलेशन गिवन हो उसको चपकाओ और करो मस्त वाला। हाँ एकदम सही, छा गए गुरु ऋषभ छा गए, बाकी लोग भी बता दो
थोड़ा बहुत बता दो, थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब देखो ये तो यूज करना मत क्योंकि वॉल्यूम में रिलेशन इच नहीं गिवन है कि नहीं। अब देखोगे यहां पे तो यहां पे आपको ये लगेगा सर इरिवर्सिबल बोला, अरे यार टीडीएस में सब तो प्रॉपर्टी, ये बताया ना मैं सब तो प्रॉपर्टी, और जब सब प्रॉपर्टी तो क्या होना मांगता, सारी की सारी टर्म प्रॉपर्टी यानी चेंज इन प्रॉपर्टी, और भाव चेंज इन प्रॉपर्टी का मतलब क्या, चेंज इन प्रॉपर्टी मंजे का है, चेंज इन प्रॉपर्टी तो एकदम सिंपल सा ना, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, डरने का नहीं, एकदम मस्त। तो यहां पे डीएस कितना, एम सी पी डी टी बटे टी माइनस ये कितना वी बाय टी डी पी, अब देखने का एम सी पी डी टी बाय टी माइनस एम आर डी पी बाय पी, ये सब पढ़ा होता ना हम, बिकॉज पीवी इज इक्वल टू एम आर टी आइडियल गैस एयर के लिए होता, ये आपका एयर होता और बोलो मिया एयर के बाद क्या आता, आइडियल गैस आता ना। अब इसके बाद में लेट यूनिटी मास करने का, और जैसे ही यूनिटी मास करोगे मास को एम वन मानने का है। अब इसके पश्चात क्या करना है श्रीमान, इसके पश्चात आपने करना है ये कि जो डीएस है उसका इंटीग्रल मारो वन से टू, डेल्टा एस आ जाएगा, डेल्टा एस मंजे का है एस टू माइनस एस वन, एकदम गाने की तरह बीतेगा ना, सीपी इंटीग्रल डी टी बाई टी, ये कहां सी 288576 माइनस आर इंटीग्रल डी पी बाई पी, बोले तो कितना वन से लेके टू, सॉल्व करने का बाबा 1.005 याद करना बोला मैं, 576 अपॉन 288 हाँ माइनस 0.287 एल एन टू बाई वन, टू बाई वन वन ना होता, डेल्टा एस कितना आ जाएगा भाऊ, डेल्टा एस 49.49767। अरे छागे गुरु छागे गुरु, मतलब बाकी का पता नहीं, 0.4977 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। भैया सुनो ये चेंज इन एंट्रोपी आ गया, सॉल्व हो गया। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, मैं क्या बोला, ये जो फॉर्मूला होता ना ये फॉर्मूला इजी भी होता और बहुत 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 ज्यादा आप इसको इजीली कर भी सकते, इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाने का नहीं है भाऊ, एकदम मस्त तरीके से हो गया ना, टेंशन काय को, एक ही क्वेश्चन आया था, इतनी देर के लिए अपना मुलाकात था, होपफुली जब हम लोग मिलेंगे ना नेक्स्ट 13 तारीख वाले में तो मिलेंगे बहुत ही अच्छे से। और हाँ जितने लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्शन का पेपर देख के गलती कर दी है मैं समझ पा रहा हूं, आंसर जून में देना था क्या, अच्छा उन्होंने हमको मेंशन नहीं किया बाबा, मेमोरी बेस्ड होता ना तो मेमोरी बेस्ड होने की वजह से उसने बताया नहीं, बोले तो बताया नहीं, तो इसीलिए मैं किलो जूल में किया, अगर जूल में देना होता तो 497.7 जूल पर केजी केल्विन होता ना, राइट। अब देखो जो हुआ, जिनका पीआई का पेपर दिया वो दिया, जो गया सो गया, बीत गई सो बात गई, वो रात गई सो वो बात गई, अब उसके बारे में घबराने का नहीं बिल्कुल भी, 1% नहीं घबराने का, जो गया सो गया, अब 13 तारीख वाली इज्जत बचानी है अपने को, है ना। क्वेश्चंस को देख के यही लग रहा था कि एमएसक्यू का अभी तक कुछ कॉन्सेप्ट कुछ भी मतलब हवा नहीं लगी हमको, एमएसक्यू का पता चलेगा अभी, स्टूडेंट लोग से बात करेंगे तो हमको पता चलेगा और फिर उनसे बात करके हम आपको बताएंगे, ठीक है ओके। तो ये क्वेश्चन था महोदय, अविनाश जी, अविनाश भैया श्रीमान कृपया आप अब उनको ले लीजिए, उनको उस सेशन हैंडल कर दीजिए, दे दीजिए जिनको भी मेरे बाद में बुलाना होता, मेरा यहां पे काम खत्म। चलो बहुत बढ़िया, खुश रहिए ऋषि, आज का अपना साथ इतना ही भाऊ, अभी अपन यहां से एंड करते, नेक्स्ट जो फैकल्टी होते वो आते और आपसे मिलते, जय हिंद जय भारत गुड नाइट। सीपी का वैल्यू गामा आर अपॉन गामा माइनस तो हमेशा ही छोटा, समझे ना ओके okay? चलो लव यू ऑल, मिलते हैं। मैं हूं क्या, मैं हूं
ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। ऑडिबल विजिबल दोस्तों, ऑडिबल विजिबल क्या एकदम प्रॉपर, बहुत बढ़िया। देखिए अभी तक आप लोगों का जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में है ऑलमोस्ट, मतलब पीआई की अगर मैं बात करूं, सो प्रोडक्शन के जितने सवाल हमारे पास आए थे वो सॉल्व हो गए हैं। थ्योरी ऑफ मशीन का एक ही सवाल दिखा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो सवाल था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सवाल था, थर्मोडाइनिक्स का जो सवाल था, सारे सवाल हो गए हैं। अब इंडस्ट्रियल वाला पार्ट बचा है और इंडस्ट्रियल में आप उम्मीद कर रहे होंगे अभय सर की। सो फिलहाल अभय सर नहीं आ पा रहे हैं, अवेलेबल नहीं है, तबीयत खराब है उनकी, बहुत जल्दी वो ठीक होके आ जाएंगे। सो अब इस मूवी में थोड़ा सा ट्विस्ट है आप लोगों के लिए, नया हीरो मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना, इस मूवी के लिए नया हीरो जो आप लोगों के साथ इंडस्ट्रियल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, रेडी है क्या? एमएसक्यू एक भी नहीं था दोस्त, अभी तक जितनी जानकारी प्राप्त हुई है उसमें एमएसक्यू एक भी नहीं था, ठीक है। सो बेफिक्र रहिए, एमएसक्यू से घबराओ मत, एमएसक्यू से घबराइए मत, ये अलग टाइप का हवा आप अगर माहौल बनाओगे ना कि एमएसक्यू 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 तो आपका ही नुकसान है दोस्त, ठीक है ना। आप दो ही तरीके के क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना, एक है एनएटी और एक है एमसीक्यू, इसमें आपका एमएसक्यू जीरो रहा, ठीक है, रेडी है क्या? चलिए चलिए बढ़िया। सो रेडी है अगर, सो एक बार दिल बना के स्वागत कीजिए मेरे साथ, अभी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का आपको सॉल्यूशन देंगे जो आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का हिस्सा आया है पीआई में, उसका सॉल्यूशन देने आ रहे हैं मेरे साथ। प्लीज सर कम, आकाश जसवाल सर अगर सामने रहते तो बिल्कुल मैं ताली बजाने कहता हूं, अभी आप आग लगा दीजिए। हेलो एवरीवन, ठीक है, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पीआई में, ठीक है। सो बेहतरीन क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। सर दो मिनट में बोल लू, हाँ सर, देखिए यही होता है, जैसे ही मैं बोला कि मौका मिले हीरो को तो तुरंत तुरंत आके बोले आप साइड रहिए मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए, है ना, होपफुली एंजॉय करेंगे सर, थैंक यू। सो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा फोरकास्टिंग के क्वेश्चंस, ओके, तो जो फोरकास्टिंग का क्वेश्चंस था उसको पहले अपन ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। सो सबे बने रहेंगे, हेलो हेलो हेलो, चलो सो काफी सभी एकदम शेयर करेंगे सेशन को, बेहतरीन क्वेश्चंस, ध्यान से समझना है क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है, जो कि आप लोगों के मैकेनिकल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, फोरकास्टिंग, ओके। सो फोरकास्टिंग का जो क्वेश्चन गिवन है, बोला गया क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, अ कंपनी फोरकास्ट द वीकली डिमांड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर यूजिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। सो फोरकास्टिंग में आप लोगों को पता है मेथड्स, सिंपल मूविंग, एक्सपोनेंशियल, वेटेड मूविंग, ठीक है, ये मेथड्स आपको पता है, उसमें से आपको पूछा गया एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इस एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट आपको गिवन है अल्फा 0.2, कितना गिवन है अल्फा 0.2, द एक्चुअल डिमांड्स इन वीक 1, 2, 3 एंड 4। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आपको एक टेबल गिवन है, लाइक वीक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वीक आपको क्वेश्चन में गिवन है, देन आपको गिवन है डिमांड, डिमांड एंड फोरकास्ट, एंड फोरकास्ट। सो वीक गिवन है, डिमांड और फोरकास्ट, थोड़ा सा यहां पर सोचना आप लोग को है, लाइक आपको वीक गिवन है 1, 2, 3, 4, ओके, आंसर कितना आया इस क्वेश्चन का, ध्यान से देखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया है और एक्सपेक्टेड है ये मैकेनिकल के लिए भी। सो क्वेश्चन में पूछा गया है वीक 1, 2 और 3 में, तो वीक 1 में आपको दिया हुआ है गिवन डेटा डिमांड, सो डिमांड इज 375, ध्यान से देखना जो डेटा है एग्जैक्ट 375 एंड 412 फॉर वीक 2 एंड वीक 3 592
एंड वीक फोर आपको गिवन है 439. कितना गिवन है? 439 यूनिट्स. द फोरकास्टेड डिमांड फॉर वीक थ्री वास, ध्यान से देखना, थर्ड मंथ का आपको गिवन है, ओनली थर्ड मंथ का आपको फोरकास्टिंग गिवन है, आपको फोरकास्टिंग गिवन है 500 यूनिट्स. कितना गिवन है? 500 यूनिट्स. द फोरकास्ट इन यूनिट्स फॉर द वीक फाइव इज, मतलब फिफ्थ वीक का आप लोग को पूछा गया है फोरकास्टिंग कितना होगा. किसका पूछा गया है? फिफ्थ का, ध्यान से देखना, फिफ्थ का पूछा गया है आपको फोरकास्टिंग कितना होगा. तो बताओ इजी है क्या? क्या करेंगे अपन? डायरेक्ट फार्मूला यूज करने वाले हैं. क्या यूज करेंगे? डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे सर एफ टी इक्वल्स टू एफ टी माइनस वन प्लस अल्फा डी टी माइनस वन माइनस एफ टी माइनस वन. बोलो 518. ऋषभ कुमार का आंसर आ रहा है 518. फिर से एक बार चेक करना, ठीक है, 518 बोल रहे हो. सो ध्यान से सुना, यहाँ पर बोला क्या गया है. सो सिंपली आपको एफ टी माइनस वन प्लस अल्फा डी टी माइनस वन माइनस एफ टी माइनस वन का कॉन्सेप्ट यूज करना है. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? चंद्र के चौहान 518503. एक बार ध्यान से, बस एक बार भाई, एक बार ध्यान से बस समझना है क्या बोला गया है. आपको यहाँ पर अल्फा गिवन है, अल्फा गिवन है, ठीक है. आपको फोरकास्टिंग कैलकुलेट करना है फिफ्थ वीक का. किसका पूछा गया है? फिफ्थ का. तो आप क्या करोगे? आप पहले कैलकुलेट करोगे फोर्थ का, एफ फोर. भाई एफ फोर कैलकुलेट करोगे तो एफ टी माइनस वन मीन्स प्रीवियस डेटा कितना, एफ थ्री प्लस अल्फा डी टी माइनस वन दैट मीन्स डिमांड प्रीवियस का कितना होगा, डी थ्री माइनस एफ थ्री. लिख सकते हो क्या? ठीक है, लिख सकते हैं क्या? तो बोलोगे सर एफ फोर इक्वल्स टू एफ थ्री. तो क्या आपको एफ थ्री गिवन है? यस सर, एफ थ्री आपको गिवन है. बात समझ में आ रहा है? अगर आप फोर की बात कर रहे हो तो एफ थ्री आपको गिवन है. बात समझ में आ रहा है? सो आप सिंपली बोल सकते हो एफ फोर इक्वल्स टू एफ थ्री. एफ थ्री कितना है? 500 प्लस अल्फा 0.2 है. डिमांड थर्ड का कितना है? 592. सो 592 माइनस एफ थ्री, एफ थ्री कितना है? 500. बताओ यहाँ से एफ फोर फोर्थ वीक का फोरकास्टिंग कितना आ रहा है. तो यहाँ मैं कैलकुलेट किया हूँ, फोर्थ का आएगा 518.4. ये आपको फोर्थ का मिल रहा है. ऋषभ कुमार बोल रहे हैं वो सर मैं जल्दी में फोर्थ का निकाल दिया था. अच्छा, फोर्थ का निकाल दिए थे, चलिए बहुत अच्छा. तो आपको फिफ्थ का पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आपको फिफ्थ का पूछा गया है तो आपको चाहिए ना यार, फिफ्थ का पूछा गया है तो फोर्थ का आपको चाहिए होगा. तो फोर्थ का फोरकास्टिंग कितना होगा? 518. अगर जैसे ही आप फोर्थ का निकाल लिए क्या करोगे? देन सेटिंग कर देंगे. कैसा सेटिंग? फिफ्थ का निकाल दोगे. किसका निकाल दोगे? फिफ्थ का. फिफ्थ का निकालोगे तो जिस वीक का निकाल रहे हो उससे पहले का फोरकास्टिंग कितना है? एफ फोर प्लस अल्फा, अल्फा उससे पहले का डिमांड डी फोर माइनस फोरकास्टिंग एफ फोर. बस एफ फोर आप कैलकुलेट कर चुके हो, 518.4 प्लस अल्फा इज 0.2. डिमांड कितना है? डिमांड 439. देख सकते हो आपको डिमांड यहाँ गिवन है 439. तो आप क्या करोगे? 439 माइनस फोरकास्टिंग 518 माइनस 4 माइनस करोगे, ठीक है. तो 439 में माइनस करो 518 तो माइनस में आएगा, ठीक है. सो F5 आपको आएगा, F5 आप लोग आ रहा है 502.52. ओके विवेक कुमार चंद्र केस, ओके वेरी गुड. तो 502.2 आपको मिल रहा है यूनिट्स. बट आपको पता है यूनिट्स तो आप पॉइंट्स में नहीं बोल सकते ना, तो आप अप्रॉक्सीमेटली कितना बोलेंगे? 503 आंसर आप दे सकते हैं. ओके क्योंकि पॉइंट के बाद है 5.5 से लेस होता तो आप 502 देते, 0.5 के बाद है तो 503 आप दे सकते हो. सो 503 यूनिट्स हो जाएगा आपका फिफ्थ वीक का फोरकास्टिंग. ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर. समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन था आपका फोरकास्टिंग का. ये क्वेश्चन किसका है? फोरकास्टिंग का. बोलो
समझ में आ रहा है? तो काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एमई में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, एमई में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन अपन करते हैं, ऑपरेशन रिसर्च। सर यूनिट की गलती हो गई, अच्छा यूनिट की गलती हो गई। व्हाट नंबर ऑफ एमएसक्यू, ओके एमएसक्यू की बात कर रहे हो, देखते हैं एमएसक्यू की क्या पॉसिबिलिटी, 1-2 क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है पॉसिबिलिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑपरेशन रिसर्च। सो ऑपरेशन रिसर्च में आप लोगों को क्वेश्चंस क्या गिवन था, क्वेश्चंस को मैं पूरा यहां पर नोट नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सूचना ऑपरेशन रिसर्च में क्या बोला गया है, अ कंपनी बायस अ मशीन, ठीक है, और बोल सकते हैं दिस सप्लायर, तो ध्यान से देखना एक टेबल में यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, टेबल गिवन था क्वेश्चन में, क्वेश्चंस एक बार मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, ठीक है, वेयर हाउस डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू, वेयर हाउस आपको गिवन था, देन आपको गिवन था हॉस्पिटल एच वन एच टू और एच थ्री, और वैक्सीन को क्या करना है आपको सप्लाई करना है ऐसा बोला गया है, ठीक है हॉस्पिटल्स में वैक्सीन को सप्लाई करने के लिए बोला गया है। आप लोगों को पता है कोरोना है, तो कोरोना में सेटिंग कर दिया गया है वैक्सीन को रिलेके, ठीक है तो वैक्सीन को लेके यहाँ सेटिंग किया गया है, क्या है हॉस्पिटल एच वन एच टू एच थ्री आपको गिवन है, ठीक है वेयर हाउस वन और टू, तो वेयर हाउस से हॉस्पिटल में आपको पहुँचाना है क्या वैक्सीन, तो वैक्सीन पहुँचाना है, तो यहाँ पर आपको गिवन है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्वेश्चन में क्या गिवन है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यशवंत जी बोल रहे हैं 2200 आंसर, वेरी गुड 2200 आंसर, तो क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन, क्या क्वेश्चन में गिवन है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन रुपीस, इन रुपीस पर वैक्सीन, पर वैक्सीन इज एज फॉलो, ये आपको टेबल गिवन है, ठीक है ये आपको टेबल गिवन है, क्या बोल रहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन रुपीस पर वैक्सीन, पर वैक्सीन का आपको क्वेश्चन में यहां पर कॉस्ट गिवन है, गिवन है आपको यहां पर 573467, ध्यान से समझना है क्या बोला गया है, ओके दिस सप्लायर एट वेयर हाउस डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू आर 200 and 150, मतलब कि सप्लायर क्या कर रहे हैं अपन सप्लाई कर रहे हैं, ये कितना तो सप्लाई आपको गिवन है, दैट मीन्स आप सप्लाई को यहां पर रिप्रेजेंट करते हो क्या ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है और डिमांड को अपन यहां पर क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, ओके सप्लाई आपका क्या होगा दिस वन, तो सप्लाई आपको गिवन है 200 नेक्स्ट आपको गिवन है डिमांड, तो डिमांड यहां पर क्वेश्चन में गिवन है 100 फॉर हॉस्पिटल वन, सेकेंड के लिए गिवन है आपको 150 एंड थर्ड वन 125, ध्यान से देखना है यहां पर आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है डिमांड और सप्लाई, सबसे पहले आप क्या करोगे सबसे पहले आप देखोगे डिमांड और सप्लाई इक्वल है या नहीं, है क्या मनन गुलाटी 2375, भाई एक बार और चेक करो, क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, विवेक जी बोल रहे हैं सर क्वेश्चन कितने नंबर के थे, तो जो भी क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूं जैसे फोरकास्टिंग का क्वेश्चन था 2 मार्क्स क्वेश्चन था एनएटी, क्या था एनएटी, ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एनएटी, मोस्टली क्वेश्चन एनएटी था, ठीक है मोस्टली क्वेश्चन आप लोग को एनएटी में मिला, ओके बात समझ में आ रहा है, चलिए तो यहां पर आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे समझना है, क्या बोला गया है द इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तो यहां पर आपको बोला गया है यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सो आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को यूज करना है और आपको बताना है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होगा,
क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन रुपीस। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में ध्यान से समझना क्या बोला गया है, ठीक है। बैलेंस है क्या, सभी एक बार बताएंगे, बैलेंस है क्या, सभी बताएंगे फटाफट, बैलेंस है, नॉट बैलेंस, वेरी गुड, ओके परविंदर सिंह, वेरी गुड। तो बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस नहीं है तो आप देख सकते हो यहां पर, अगर आप देखोगे सिंपली तो ये 200 और 150 कितना आ रहा है, 350, और अगर यहां आप देखते हो 100 150 और 125 तो 375 आ रहा होगा, 375, तो बैलेंस नहीं है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना है और दो लाइन में आंसर दे देंगे यार, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस, डायरेक्ट आपको क्या करना है, बैलेंस करना है और आंसर देना है। सो ध्यान से देखना, बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, आप एक रो में क्या करेंगे, डमी ऐड करेंगे, रो में क्या करते हैं आप डमी ऐड करोगे। सो बोलोगे सर W1 W2 आपको गिवन है 5 7 3 4 6 7। सो W1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, 200 आपको सप्लाई गिवन है, W2 के कॉरस्पॉन्डिंग 150, देन आप एक डमी यूज करोगे 000 और ऐड कर दोगे कितना 25, ठीक है। और हॉस्पिटल 1 के लिए कितना डिमांड है 100, हॉस्पिटल 2 के लिए कितना है 150 और हॉस्पिटल 3 के लिए कितना है 125। ये आपका हो गया H1 S2 और S3, ये हो गया आपका सप्लाई और ये हो गया आपका डिमांड। अब आप देख सकते हो ये बैलेंस है, बोल सकते हैं बैलेंस है, यस सर एकदम बोल सकते हो, 375 और इधर भी आपका कितना है 375, 2200, ओके वेरी गुड, 2200 आ रहा है। देखिए अब आपको क्या करना है, बैलेंस है तो नॉर्थ, क्या बोला गया है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज़ करना है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड आप इजली यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करते हैं, देखो क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे नॉर्थ वेस्ट 5 पे। सो यहाँ कितना है आपका डिमांड 100, सप्लाई कितना है 200, सप्लाई कितना है 200, तो आप पूरा का पूरा यहाँ पर दे सकते हो क्या 100, यस। अगर 100 आप यहाँ प्रोवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0, तो इसके पास कितना बचा, अभी 100 और बचा हुआ है, तो अभी आप रो में और मूव कर सकते हो, यस। तो 100 आप देखोगे तो यहाँ आप 100 सप्लाई कर सकते हो क्योंकि 100 आपका सप्लाई है, तो ये बचा कितना 50, ध्यान से देखना, तो ये हो गया 0, तो रो में 0 हो गया, तो जैसे ही आप 100 यहाँ प्रोवाइड किए तो जस्ट बिलो मूव करोगे, तो जैसे बिलो मूव करते हो कितना है 50, डिमांड कितना है 50, सप्लाई कितना है 150, तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा 50 दे दो, ये कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना बचा 100। अब कॉलम हो गया 0, ठीक है, अभी रो बचा है 100, तो इसके बाद क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, तो फॉरवर्ड करोगे यहाँ कितना देंगे अपन 100, क्योंकि सप्लाई कितना है 100, पूरा दे दिए, तो डिमांड था 125, तो अभी भी बचा कितना है 25, देन रो आपका क्या हो गया कंप्लीट। तो अब आ जाएंगे बॉटम में, तो जीरो के पास आप कितना दोगे 25, क्योंकि यहाँ है 25, ये 0 हो गया और ये हो गया 0। सो आप ये यूज़ कर रहे हो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, समझ में आ रहा है, किसी को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल अपन को क्या करना है, यूज़ करना है। तो सिंपल आपको टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना था, तो 5 × 100 यूनिट्स, ठीक है, प्लस 7 रुपीस, कितने यूनिट्स है 100 यूनिट्स है, प्लस 6 रुपीस के 50 यूनिट्स है, प्लस 7 × 100 प्लस 0 × 25, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको रुपीस में मिल जाएगा, बताओ कितना आ रहा है, बताएंगे कितना आ रहा है एकदम फटाफट सभी, नितिन मिश्रा 2200, ऋषभ कुमार 2200, बताएंगे जल्दी, ओके 2200, वेरी गुड यार, एकदम से मस्त खेल गए, बोलो। अब इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हो, मैकेनिकल में भी क्वेश्चन पूछा गया है, वॉगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मेथड दोनों की हेल्प से आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे और सबट्रैक्ट करोगे, ऐसा आपको प्रीवियस ईयर के अगर आप PYQ लगाए होगे तो आप लोगों को फील हो रहा होगा, कुछ नया नहीं है, सब PYQ से बेस्ट है, बात समझ में आ रहा है, बोलो। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इससे भी एक स्टेप क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है मैकेनिकल में, बात समझ में आ रहा है, बोलो।
अभिषेक यादव 2200. स्वप्निल ओके 2200, वेरी गुड. बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को बोलो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया? बोलो सभी का आंसर आ गया है क्या? बताएंगे सभी का आंसर आ गया? किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में? यार सभी एकदम से कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है? ओके चलिए, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहां पर, सिंपल ध्यान से देखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना. आपको एक्टिविटी गिवन है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन है पार्ट सीपीएम का. एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या है, पार्ट सीपीएम का है, लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा डिफरेंट वे में फ्रेम किया गया है, डिफरेंट वे में फ्रेम किया गया है, ठीक है. एमडी बोल रहा है कट ऑफ 36. सर ये तो मैकेनिकल का पेपर लग रहा है, पूरा पूरा मैकेनिकल का अगर देखोगे तो पूरा एकदम आपका सेम टू सेम, ठीक है. इसलिए आप लोग पूरे अच्छे से बने रहिएगा. अगर आप यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो समझ लेना मैकेनिकल का पेपर जो है 13 को इससे कनेक्टेड होगा. प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, टॉम, सॉम, सभी बात समझ में आ रहा है, ठीक है, इससे कनेक्टेड होगा. यहाँ से आपको एक क्लू मिल रहा है कि अगर पीआई में पार्ट सीपीएम का क्वेश्चन को टच किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन को टच किया गया है, मतलब मैकेनिकल में तो पक्का टच होगा. बात समझ में आ रहा है, मैकेनिकल में पक्का टच होगा. आंसर इज 3, वेरी गुड यशवंत जी, समझ गए. अगर मैं पढ़ सीपीएम का नाम लिया तो आंसर 3 बोल दिए. ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आपको गिवन था एक्टिविटी, क्वेश्चन में आपको गिवन था एक्टिविटी, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन आपको गिवन है मिनट में, ओके. और वेरियंस आपको गिवन है, वेरियंस आपको गिवन है. फटाक से अपन एक बार टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं, फटाक से एक बार अपन क्या करेंगे, टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं क्या बोला जा रहा है. सो टेबल को ड्रॉ किया गया है. एक्टिविटी ए, एक्टिविटी ए के लिए यहां मैं डायरेक्टली शो कर रहा हूं एरो के साथ. ए के लिए आपको एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन 4 मिनट्स गिवन है, बी के लिए आपको गिवन है, बी के लिए आपको गिवन है 5, सी के लिए आपको गिवन है 4, डी के लिए गिवन है 1, ई के लिए आपको गिवन है 7, एफ के लिए आपको गिवन है यहाँ पर 6, और जी के लिए गिवन है 8. ध्यान से समझना क्या गिवन है आपको, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन आपको गिवन है सभी एक्टिविटी का, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या गिवन है, वेरियंस. इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको गिवन है वेरियंस. किस में है वेरियंस, मिनट में है. किस में भैया, मिनट में है. सो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वेरियंस गिवन है क्वेश्चन में 1, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग दैट मीन्स एक्टिविटी बी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको गिवन है 1, एक्टिविटी सी के लिए गिवन है अगेन 1, डी के कॉरस्पॉन्डिंग गिवन है 0, एंड 4 F के लिए गिवन है 1, और लास्ट वन G इज 4. ये आपको एक टेबल गिवन है, इसको एक बार आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे. एक्टिविटी, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन मिनट में, वेरिएंस आपको गिवन है मिनट में, ठीक है. क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि क्रिटिकल पाथ अलोंग एक्टिविटी, क्या बोला गया है, क्रिटिकल पाथ अलोंग एक्टिविटी. तो क्रिटिकल पाथ जब आप बनाते हो, लेट मीन्स अगर आप देखते हो फ्लो डायग्राम बनाते हो जब, तो उसमें आप क्या करते हो, क्रिटिकल पाथ निकालते हो. तो क्वेश्चन में क्रिटिकल पाथ बता दिया गया है कि एक्टिविटी बी, एक्टिविटी ई, क्वेश्चन में गिवन है ई और जी, ये आपका क्या है, क्रिटिकल पाथ का एक्टिविटी है. सो क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी अलोंग बी, ई और जी है. क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एक्सटेंडेड डेविएशन कितना होगा.
तो आप लोग को तो इतना पता है कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जा रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, वन लाइनर भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस होता है क्या। सौरभ जी बोल रहे हैं पीआई मैकेनिकल का ही है, ओके चलिए परविंदर जी को समझा रहे हैं, ओके। सो आप बोलोगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। तो आपको पता है कि वेरियंस आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो वेरियंस जब आप कैलकुलेट करते हो कैसे, आपको गिवन है क्रिटिकल पाथ बी ई और जी, तो आप कैलकुलेट कर रहे हो क्या बी का, यस सर पता है, प्लस ई का कितना है वी ई, प्लस आपका वेरियंस कितना है जी। तो डायरेक्टली आप यहां से वेरियंस कैलकुलेट कर लोगे, क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग टोटल कितना है, तो बोलोगे सर वन प्लस ई के कॉरस्पॉन्डिंग है फोर और जी के कॉरस्पॉन्डिंग है फोर, फोर प्लस फोर एट प्लस वन नाइन, ओके। बोलो वेरियंस कितना आ रहा है, नाइन। अगर वेरियंस आप निकाल लिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकते क्या, यस सर एकदम निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नाइन हो गया, कितना हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, सो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिल गया सर थ्री। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो बोलो इजी क्वेश्चन है या नहीं है। अच्छा अच्छा ऋषभ जी बोल रहे हैं प्रोडक्शन लेना था पेपर, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्वेश्चन ऐसे ही आप लोगों को अपना खेलना है मैकेनिकल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आप लोगों का, ये क्वेश्चन था आप लोगों का इंडस्ट्रियल के कुछ इंपॉर्टेंट्स। एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करूंगा आप लोग के सामने लीनियर प्रोग्रामिंग का, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। सौरभ वर्मा जी बोल रहे ये पेपर है कि मॉक टेस्ट, ओके बहुत मजा आ रहा है मतलब तुमको, है ना, बहुत अच्छा। ऐसे ही आप लोगों को मजा लेना है किसका, अपने मैकेनिकल ब्रांच में, ठीक है। 13 तारीख को फोड़ के आना है, ठीक है। 13 तारीख को यही बोलोगे सर ये क्वेश्चन पेपर था या मॉक टेस्ट, ऐसे ही फील होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखना है, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, क्वेश्चन में एक बार ध्यान से यहाँ पर देखना है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, ठीक है। कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैं यहां पर आप लोग के सामने मैं मेंशन करूंगा। सर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन, सर ध्यान से देखो, डिफिकल्ट नहीं है भाई, बस तुम डर गए, ठीक है, ऐसा नहीं है, डरना नहीं है, बस एक बार समझना है। कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ओके, मैक्सिमाइज जेड, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गिवन है मैक्स जेड इक्वल्स टू 20x1 प्लस 6x2 प्लस px3। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन का ब्यूटी क्या है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन में आपको मैक्सिमाइज जेड दिया है 20x1 प्लस 6x2 प्लस px3 सब्जेक्ट टू, ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। आपको गिवन है सब्जेक्ट टू, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट आपको गिवन है, सब्जेक्ट टू आपको गिवन है 8x1 प्लस 2x2। क्वेश्चन को एक बार नोट करते जाना, शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 250। सेकेंड कॉन्स्टेंट गिवन है 4x1 प्लस 3x2, क्या गिवन है 3x2 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 150। और थर्ड कॉन्स्टेंट है 2x1 प्लस x3 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 50। और आपको गिवन है x1, x2, x3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये आपको गिवन है, ठीक है। मैक्सिमाइज जेड क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहां पर मेंशन कर लेना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखो क्वेश्चन यहां पर बेहतरीन क्या बोला गया है, द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज गिवन एस x1*0। साइड में मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन को, एक बार आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। साइड में यहां पर मैं क्वेश्चन को मेंशन कर रहा हूं, द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज, द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज गिवन एस, गिवन एस x1*0 इक्वल्स टू 0, x2*0
इक्वल्स टू 50 एंड x3 स्टार इक्वल्स टू 50। ध्यान से समझना, ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन है, एट आंसर, ओके मनन, वेरी गुड। सो ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज गिवन है, x1 स्टार इज 0, x2 स्टार इज 50, x3 स्टार इज 50, ये आपको गिवन है। द ड्यूअल वेरिएबल्स, क्या क्वेश्चन में गिवन है, द ड्यूअल वेरिएबल्स ऑफ कांस्टेंट c1 c2 एंड c3 आर y1 y2 एंड y3 रिस्पेक्टिवली। द ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ ड्यूअल वेरिएबल्स आर, सो ड्यूअल का प्रॉब्लम है आपको, ड्यूअल वेरिएबल्स क्वेश्चन में गिवन है, ड्यूअल वेरिएबल्स आर y1 स्टार इक्वल्स टू 0, y2 स्टार इक्वल्स टू 2 एंड y3 स्टार इक्वल्स टू 8, ये गिवन है, ओके। द वैल्यू ऑफ पैरामीटर p इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो आपको यहां पर गिवन है p, ये बोला गया है बताओ कितना होगा, ये बोला गया है बताओ कितना होगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दोनों के लिए क्या होगा सेम। ऋषभ जी बोल रहे हैं मुझे भी, सर मुझे तो ग्राफिकल मेथड ही आता है, सीख लो कुछ नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लेंथी देखने को मिलता है लेकिन होता इजी है। कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट इतना पता है, आपको क्या कॉन्सेप्ट पता है सर, प्रिमल आपको पता है, प्रिमेल को आप क्या करते हो, ड्यूअल में कन्वर्ट करते हो, मानते हो बात, प्रिमेल को आप ड्यूअल में कन्वर्ट करते हो या ड्यूअल को प्रिमेल में कन्वर्ट करते हो, ओके ये आपको पता है। सो यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर आपका क्या है x1 x2 x3 वेरिएबल, ठीक है, और यहां पर कांस्टेंट कितना है, नंबर ऑफ कांस्टेंट इज 3 और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ऑल्सो 3, तो m इक्वल्स टू क्या है n, तो आप ड्यूअल में कैसे चेंज करोगे, तो मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो जाता है, ड्यूअल में कन्वर्ट करोगे तो मिनिमाइज में, सिखाओ सर सिखाएंगे बहुत जल्द, टेंशन मत लो, ठीक है। सो प्रीमेल में अगर आपको गिवन है मैक्सिमम, तो आप मिनिमम में कन्वर्ट कर दोगे, ड्यूअल में अगर कन्वर्ट करना है तो, और अगर प्रीमेल मिनिमम में है तो ड्यूअल में कन्वर्ट करोगे मैक्सिमम में, ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता है। बोलो अगर m वेरिएबल है, नंबर ऑफ कांस्टेंट क्या है n, तो m को आप n में कन्वर्ट करते हो और n को कन्वर्ट करते हो m में, लेस देन और इक्वल टू टाइप को कन्वर्ट करते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू में, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है प्रीमेल तो उसको कन्वर्ट कर देते हो लेस देन और इक्वल टू में, ये कॉन्सेप्ट होता है बोलो, ठीक है। चलिए ये कॉन्सेप्ट अगर होता है तो देखते हैं ड्यूअल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको प्रीमेल गिवन है, ये प्रीमेल गिवन है, तो आप बोलोगे ड्यूअल में वेरिएबल में मान लेता हूँ y1 y2 y3, तो यहाँ पर आप क्या कर लो y1 y2 y3 y1 y2 y3 मान लोगे क्या, यस। यहाँ आप देखोगे प्रॉफिट कॉफिशेंट 26 और पी है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलोगे सर 20 रिप्लेस होगा किससे 250 से, तो आप क्या लिखेंगे यहां डायरेक्टली, आप यहां लिखने वाले हो सिंपल नेस ड्यूअल का, ड्यूअल में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखेंगे मिनिमाइज जेड, क्या लिखोगे मैक्सिमम का प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मिनिमम के प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पता है आप लोगों को। सो मिनिमाइज जेड इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, सो मिनिमाइज जेड इक्वल टू आप क्या लिखोगे, सो सिंपली आप बोल सकते हो 250 क्या हो जाएगा y1 प्लस 150 y2 प्लस 50 y3, ये आप लिख लोगे, ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसके लिए, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन सर ड्यूअल के लिए। कांस्टेंट आप निकाल सकते हो, यस सर कांस्टेंट्स आप निकाल सकते हो, कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, मेथड क्या होता है, मेथड आपको पता है 8y1 प्लस 4y2 प्लस 2y3 एक कांस्टेंट बनेगा, शुड बी लेस देन नहीं होगा, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीमल किस में है लेस देन में है, तो ड्यूअल किस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे 8y1 प्लस 4y2 प्लस 2y3,
ये एक कांस्टेंट मिलेगा। सेकेंड कांस्टेंट क्या लिखोगे, 2y1 प्लस 3y2 प्लस यहां पर आपका x2 नहीं है, थर्ड कांस्टेंट में x2 नहीं है, दैट मीन्स वहां पर आपका x3 का टर्म नहीं आएगा। तो एक बार देखते हैं ध्यान से क्या होगा, कांस्टेंट क्या बनने वाला है। सो कांस्टेंट इज, एक बार नोट करना आप लोग, 8y1 प्लस 4y2 प्लस 2y3 लेस देन इक्वल्स टू है प्रिमल, ग्रेटर देन हो जाएगा आपका ड्यूएल में, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपका क्या है, प्रॉफिट कॉफिशेंट 20, प्रॉफिट कॉफिशेंट 20 वो हमारे लिए यहां पर हो जाएगा क्या 20, रिप्लेस करना है ओनली, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बनने वाला है, 2y1 प्लस 3y2, थर्ड कांस्टेंट में आपका x2 की वैल्यू नहीं है तो y3 आप कंसीडर यहां पर नहीं करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा 6, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा 6, देन थर्ड वन इज 3y1 प्लस कितना है आपका 3y1 प्लस y3 और y2 की बात करोगे तो एक बार देख लेना, एक बार यहां पर 3y1 यहां पर आपका x3 है क्या सेकेंड कांस्टेंट में, ध्यान से देखना x3 है क्या, नहीं, तो x3 नहीं है तो y2 नहीं होगा, y2 कहां से होगा, नेक्स्ट थर्ड कांस्टेंट में आ जाओ, x3 है क्या, यस सर x3 है, तो x3 में कितना होगा y3 1, तो y3 आप ले लोगे, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, तो यहां आप लिख सकते हो सिंपली 3y1 हो जाएगा, 3y1 प्लस सेकेंड कांस्टेंट में आपको x3 गिवन नहीं है, थर्ड में है, तो हो जाएगा ऑनली आपका y3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू p, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p, बात समझ में आ रहा है, दैट मीन्स आप बोल सकते हो यहां आपका क्या है y1 y2 और y3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन में p की वैल्यू पूछा गया है, तो क्वेश्चन में आपको ये गिवन है क्या, देख लो ये पॉइंट्स x1 x2 और x3 फाइनल सॉल्यूशन का आपको गिवन है, और y1 स्टार y2 स्टार और y3 स्टार आपको गिवन है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो है आपका प्रीमेल, जो प्रीमेल है उसमें आप क्या करेंगे, पुट कर दोगे, ध्यान से देखना, प्रीमेल का जो है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज जेड, तो इसको अपन मान लिए 1, जेड 1 मान लेते हैं, 20x1, तो x1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 0, तो यहां 0 पुट कर दो, प्लस कितना होगा 6, x2 की वैल्यू है 50 प्लस x3, तो x3 है आपका कितना, x3 50 गिवन है, सो p इंटू क्या हो जाएगा 50, ये हो गया आपका प्रीमेल का, बात समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका प्रीमेल का। और आप क्या करोगे, ड्यूएल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लो, ड्यूएल का कितना है, तो मिनिमाइज जेड 2 मान लो, तो y1 y2 y3 कितना है देख सकते हो यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन 250y1 प्लस 150y2 प्लस 50y3, y1 y2 y3 आपको गिवन है, पुट कर दो यहां, y1 0 y2 कितना होगा 2 और y3 8, दोनों को क्या कर दोगे, सेम करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया ऑप्टिमम सॉल्यूशन दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, तो 250y1, तो y1 की वैल्यू कितना है, y1 की वैल्यू 0 प्लस 150y2, y2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 प्लस y3 की वैल्यू 50, सो 50 इंटू y3 इज 8, दोनों को कर दो इक्वल, और p की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लो जो अननोन आपको गिवन है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, वेरी गुड सौरभ वर्मा, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो यहां से आप p की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, कितना आ रहा है बताओ एक बार, दोनों को इक्वेट करोगे तो कितना आएगा, दोनों इक्वेट करेंगे कितना आ रहा है, 30 सेकेंड का है, कुछ नहीं था यार, कुछ नहीं था, प्रीमेल को ड्यूएल में कन्वर्ट कर दो, जैसे ड्यूएल में कन्वर्ट करते ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपको गिवन था x1 x2 x3 की वैल्यू, और ड्यूएल का y1 y2 y3 की वैल्यू गिवन था, पुट कर देते फाइनल, दोनों को इक्वल करके p की वैल्यू निकाल लेते। अब बोलते हो सर बहुत लेंदी था, टफ था, कहां था भाई, 8, वेरी गुड, सो p की वैल्यू 8, ओके, p की वैल्यू हो गया आप लोग का 8। तो और भी क्वेश्चंस आप लोगों को जैसे भी अपने पास डेटा आएगा वैसे वैसे अपन कराते जाएंगे, ठीक है। तो इतना आपका क्वेश्चन हो गया है, अमित मौर्य सर अभी आप लोग के लिए लेके आएंगे न्यू क्वेश्चंस, ठीक है, सौरभ कुमार, सौरभ वर्मा, रोहित कुमार, ओके, सभी का आंसर आ गया।
कुछ बेटर फील हुआ होगा क्वेश्चंस को देख के, डरना नहीं है इंडस्ट्रियल का, जैसा भी पूछा गया है उसको एक बार रीड करो और ट्राई करो, ठीक है। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, और अभी आप लोगों के लिए न्यू क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं अमित मौर्या सर। ओके, कांस्टेंट निकालना जरूरी था। देखो कांस्टेंट मैं तो आप लोगों को क्या किया, एक कॉन्सेप्ट समझाया हूँ, जरूरी नहीं था, डायरेक्टली आप निकाल सकते थे एक लाइन में, लेकिन मैं क्या किया, अगर देख लो यहाँ पर यह भी लिखना जरूरी नहीं था, यह भी लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन यार कॉन्सेप्ट एक बार पता होना चाहिए अच्छे से। सर मैथ्स और एफटी कैसा है, मैथ्स बहुत इजी आया था, टेंशन मत लो और बहुत इजी ही रहता है, ठीक है। चलिए तो बने रहेंगे सभी, अभी आप लोग के लिए अमित मौर्या सर न्यू क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, बेहतरीन तरीके से कनेक्ट रहेंगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, मिलते हैं, थैंक यू सो मच। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑन गेट अकेडमी। सो एक बार ऑडियो एंड वीडियो जो है वो कंफर्म कर देंगे, ऑडियो जो है ऑडिबल है क्या, एक बार ऑडियो एंड वीडियो जो है वो कंफर्म कर देंगे भैया। और हमारा नंबर सबसे लास्ट में आया है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछा गया है और हम क्या ही बोले, वैसे तो एफएम मतलब अपने में ही अब सब कुछ है, बट पीआई में बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत छोटा सा, और बच्चों वाला क्वेश्चन है बस, ठीक है, तो ज्यादा अपना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो तो एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है, अभी अभी ये डिस्कस किया है ग्लोबल वाले चैनल पे, तो लिखा हुआ था, ठीक है, मैं बता देता हूं क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि फ्लूइड जो है उसका काइनेमैटिक विस्कोसिटी जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में काइनेमैटिक विस्कोसिटी जो है ये 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकंड दी हुई है, ठीक है। डायमीटर जो पाइप का है ये 8 mm जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, डायमीटर जो है वो 8 mm दिया हुआ है। और क्वेश्चन में ये बोला है कि ये फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो है, ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो है। अभी मैराथन में आपको मैंने सब कुछ करवा रखा था, ठीक है, ये मैंने बोला भी था कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो पाइप फ्लो और लैमिनार, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, ठीक है, और 13 तारीख के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैंने पहले भी बोला एक क्वेश्चन आपको मैकेनिकल में भी मिलेगा भैया, ठीक है, तो रिवाइज कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन मिलेगा, भले ही वो 1 मार्क्स का मिले, ठीक है, बढ़िया टॉपिक होता है ये। तो देखो बोला है क्वेश्चन में कि फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो है, तो फुल्ली डेवलप में अपने को पता है कि पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल होती है, ठीक है, पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल ये होती है, और यहां पे जो मेन वेलोसिटी होती है या एवरेज वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं, और ये सारे डेरिवेशन हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये मैक्स वेलोसिटी का हाफ होती है, और पाइप फ्लो में जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है ये हमारी डायमीटर होती है, क्योंकि डायमीटर के क्रॉस क्या हो रहा है, पूरी वेलोसिटी प्रोफाइल अपनी डेवलप हो रही है, या डायमीटर के क्रॉस ही हम क्या करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं, तो डायमीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। अब देखो क्या पूछा है आपसे, आपको यू मैक्सिमम दिया हुआ है, ठीक है, यू मैक्सिमम सेंटर लाइन पे वेलोसिटी दी हुई थी, सेंटर लाइन पे 0.5 मीटर पर सेकंड है, तो मीन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द मैक्स वेलोसिटी। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान क्वेश्चन है, इवन मुझे मतलब क्या ही मैं बोलू यार, एफएम ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आप पूछो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो मतलब कोई भी बता सकता है। तो यहां पे जो है रेनॉल्ड नंबर आपसे पूछा है, रेनॉल्ड नंबर बेस्ड ऑन अ डायमीटर क्या होता है, ठीक है, रो यू मीन डी डिवाइड बाय म्यू, क्लियर, या आप रो को नीचे ले आइए, ये काइनेमैटिक विस्कोसिटी अपना बन जाएगा यू मीन डी एंड म्यू, ठीक है। वैल्यूज अगर हम पुटअप कर दें तो एवरेज वेलोसिटी दी हुई थी, मेन वेलोसिटी जो थी, मैक्स वेलोसिटी दी हुई है, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 8 × 10⁻³, और काइनेमैटिक की वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो यहां पे जो है ये 2000 निकल के आता है, ठीक है, ये 2000 निकल के आता है, एंड आई होप कि शायद ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया होगा, मुझे लगता है कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया होगा, ठीक है। लेकिन
मैकेनिकल में ऐसा नहीं होगा भैया, मैकेनिकल में एफएम जो है ये आपका मेजर सब्जेक्ट है, और पिछले 6 से 7 साल में जो है एटलीस्ट 7 to 8 marks का एफएम आया है, ठीक है, किसी साल 10 number का भी आया है, और बढ़िया वाले क्वेश्चन आए हैं। तो मतलब पीआई के पेपर को देख के आप ये मत मतलब उम्मीद रखिएगा कि एफएम नहीं पूछा जाएगा, मैकेनिकल का कोर सब्जेक्ट है तो वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है, बट मैकेनिकल यहां पे ज्यादा नहीं था, ठीक है, एक ही क्वेश्चन था, और मुझे लगता है कि शायद ये कोई भी बना देगा, छोटा सा बच्चा भी कर देगा ये क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल डेटा में वैल्यू पुटअप करना था, ठीक है। तो चलो, तो मुझे लगता है कि शायद सभी ने, जिसने पीआई का पेपर दिया होगा सबसे पहले इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है, तो बस मेरा रोल इतना ही था। एंड मैकेनिकल के लिए पेपर के लिए भैया सही से मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है और बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर भी बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे, और खासकर हाइड्रोलिक्स मशीन सही से देख लीजिएगा, एक आध या 2 marks का क्वेश्चन आपको वहां से मिलेगा मिलेगा, ठीक है, कुछ मेजर पॉइंट मेजर टॉपिक है उनको बस आप कवर कर लीजिएगा बस, ठीक है। तो मैं सेशन को हैंडओवर कर रहा हूं सर को, ठीक है, मैं सेशन को हैंडओवर कर रहा हूं, मतलब सर को, ठीक है, जो सेशन हैंडलर है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था और बाकी मैं टाइम पास नहीं करूंगा, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया करना, ठीक है, और एक अच्छी रैंक लेके आना, तो बाद में जब भी मिलो हमेशा हंसते और मुस्कुराते मिलो, ठीक है। तो ठीक है, मैं हैंडओवर कर रहा हूं पे सर को सेशन, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।